इट्स गोइंग टू बी एन इंटीग्रेटेड क्लास. तो क्या है कि आज हर एक लेक्चर में वी आर गोइंग टू कवर डिफरेंट टॉपिक्स. ऐसे नहीं कि वी विल गो फ्रॉम 0 to 10. बीच बीच में हम कभी कभी फंड्स लेंगे, कभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से एक साथ सब सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंपाइल लेंगे, सारे इंडेक्सेस कंपाइल लेंगे. तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटीग्रेटेड क्लास. मेक नोट्स ऑन वाइट पेजेस. इफ यू हैव गॉट बुक्स टूडे, ठीक है, लेकिन आपके नोट्स किस पर चाहिए? वाइट पेजेस पर आपको नोट्स बनाना है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें इंटरलिंक करनी है, और वो वही तभी हो पाएगा जब यू हैव नोट्स ऑन अ ब्लैंक पेजेस. सेकेंडली, आपका पेज का टू थर्ड पार्ट शुड बी योर मेन टॉपिक विच वी आर गोइंग टू टेक. जैसे हम मेंस में करते थे, जो भी मेंस बैच में हम हमारे साथ थे. तो दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू कि आपके नोट्स बहुत धीरे धीरे बनने वाले हैं. फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट 2-3 लेक्चर्स लगेगा आपको कि बहुत सारे टॉपिक साइड बाई साइड कर रहे हैं, लेकिन 5th-6 लेक्चर के बाद ऐसा लगेगा कि सब कुछ लिंक्ड हो रहा है. एनवायरमेंट इज अगर आप उसको करंट अफेयर्स से पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें लिंक होते जाएगी. तो मेक श्योर पहले 2-3 लेक्चर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू हम इतने डाइवर्स फील्ड एक ही लेक्चर में बहुत सारे डाइवर्स फील्ड एक साथ देखने वाले. टू स्टार्ट विथ, प्लीज कॉन्सेंट्रेट. फर्स्ट लेक्चर है, मेक श्योर आप कल से थोड़ा सा कम 10 मिनट्स अर्लियर, उससे ज़्यादा पहले मत आके बैठे, क्योंकि यहाँ टेस्ट चलता है. तो कम एट कितना 4:50 को आके थोड़ा जल्दी एडजस्ट हो जाइए. टू स्टार्ट विथ एनवायरमेंट में वी वुड स्टार्ट विथ फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशंस एंड ट्राई टू स्टार्ट विथ इट. तो व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंट. आवाज़ आ रहा है ना? व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंट? एनवायरमेंट इज व्हाट, इट्स एवरीथिंग सराउंडिंग एन ऑर्गेनिज्म. एवरीथिंग विच इज सराउंडिंग एन ऑर्गेनिज्म. तो वो क्या हो सकता है? बायोटिक भी हो सकता है और अबायोटिक भी हो सकता है. सही है ना? बायोटिक एंड अबायोटिक. एवरीथिंग सराउंडिंग मी इज माई एनवायरमेंट. फॉर मी प्रेजेंटली माई एनवायरमेंट इज यू ऑल गाइस. माई एनवायरमेंट इज फैन. माई एनवायरमेंट इज एवरीथिंग दैट इज सराउंडिंग एन ऑर्गेनिज्म. दैट इज एन एनवायरमेंट एंड इट इंक्लूड्स बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स. तो आपको ये पता चाहिए. सेकेंडली, एनवायरमेंट के बाद आपको डेफिनेशन पता चाहिए. वॉट डू मीन बाय इकोसिस्टम? कुछ कॉमन बेसिक डेफिनेशन आपको होते हैं. वॉट डू मीन बाई इकोसिस्टम? सो इकोसिस्टम, साइड बाई साइड आपको नोट्स बनाने हैं, बाद में ऐसे डिक्टेट नहीं होने वाला है. जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको साइड बाई साइड नोट्स बनाना. तो वॉट डू मीन बाई इकोसिस्टम? इकोसिस्टम इज द इंटरैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स. इकोसिस्टम इज वॉट? इट्स द इंटरैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द इकोसिस्टम. एंड द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज नोन एज इकोलॉजी. द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज नोन एज इकोलॉजी. तो ये आपको बेसिक डिफरेंस सारे टर्म्स में. सो अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में जाए तो सबसे बड़ा अगर कोई सेट है तो वो अर्थ है. अर्थ में क्या आता है? बायोस्फियर आता है. अर्थ में बायोस्फियर आता है. बायोस्फियर के अंदर बहुत सारे बायोम्स आते हैं. मैं हर एक चीज का डेफिनेशन बताऊंगा. बायोम्स आते हैं. बायोम्स के अंदर इकोसिस्टम आता है. बहुत सारे इकोसिस्टम्स होते हैं. बहुत सारे इकोसिस्टम्स में क्या होता है? कम्युनिटीज होते हैं. एंड बहुत सारे कम्युनिटीज में क्या होता है? पॉपुलेशन होता है. तो स्टार्टिंग कहां से होता है? अर्थ से. अर्थ में क्या है? बायोस्फियर. नेक्स्ट उसके नीचे क्या आता है? बायोम्स. में हर एक चीज का डेफिनेशन आपको बताऊंगा. सो डू नॉट वरी. हर एक चीज का डेफिनेशन बताऊंगा, बट यू शुड नो द जनरल डिसेंडिंग ऑर्डर कि सबसे बड़ा सेट क्या है. सबसे बड़ा सेट अर्थ है, उसके नीचे बायोस्फीयर है. बायोस्फीयर के नीचे बायोम्स, इकोसिस्टम, कम्युनिटी एंड पॉपुलेशन इज इन न्यूज. हर बार न्यूज में है. तो इफ यू सी कम्युनिटी और पॉपुलेशन में डिफरेंस क्या है? कम्युनिटी मतलब क्या है? मल्टीपल स्पीशीज आर लिविंग टुगेदर. राजेंद्रनगर में क्या है? मल्टीपल स्पीशीज है. एमपीएससी करने वाले भी है, यूपीएससी करने वाले भी है. आई एम जस्ट जोकिंग. लेकिन स्पीशीज क्या है? मल्टीपल स्पीशीज डॉग्स है, कैट्स है, ह्यूमंस है. तो दीज आर कम्युनिटीज. एंड व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन? पॉपुलेशन इज ए सिंगल स्पीशीज विच आर इंटरब्रीडिंग.
विच आर इंटरप्रीटिंग. तो आपको ये पता चाहिए, डिफरेंस पता चाहिए. सबसे नीचे क्या आएगा, पॉपुलेशन आएगा. पॉपुलेशन के ऊपर कम्युनिटीज, इकोसिस्टम. इकोसिस्टम मतलब बहुत सारे, उस इकोसिस्टम में क्या होता है, बहुत सारे कम्युनिटीज होते हैं, दे इंटरैक्ट विथ ईच अदर. एंड बहुत सारे कम्युनिटीज मिला के क्या, इकोसिस्टम मिला के बायोम्स, बायोम्स से बायोस्फीयर, एंड लास्ट इज अर्थ. तो ये आपको डिफरेंस पता चाहिए. एंड विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन, हम हर एक चीज का पॉपुलेशन का सेंसेस करते हैं. सेंसेस में क्या देखते हैं, कम्युनिटी का पॉपुलेशन या क्या देखते हैं, सिंगल स्पीशीज का पॉपुलेशन देखते हैं. तो इंडिया इज टेकिंग आउट हर एक चीज का. इंडिया क्या कर रहा है, सेंसेक्स कर रहा है. तो कौन सी चीजें का इंडिया में सेंसेस हो रहा है. फर्स्ट है ह्यूमन का सेंसेस होता है, कितने सालों में एक बार होता है, 10 इयर्स. अभी क्या होने वाला, 2021 में होने वाला है, ठीक है. एंड इट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट डिजिटल सेंसेस. तो ये आपको होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अपने ऊपर. लेकिन एनवायरमेंट में वी आर कैरिंग आउट वेरियस सेंसेस. तो सबसे इंपॉर्टेंट सेंसेस जो टाइगर सेंसेस करता है, टाइगर सेंसेस 2019 में फर्स्ट टाइम उसका रिपोर्ट, 2018 में कंप्लीट हो गया था रिपोर्ट, 2019 में आया. तो इट इज कंडक्टेड एवरी 4 इयर्स, ये आपको पता चाहिए. साइड बाई साइड एलिफेंट सेंसेस भी होता है एवरी 5 इयर्स, राइनो 3 साल, राइनो एवरी 3 इयर्स. तो क्वेश्चन इस पर्सपेक्टिव से भी आ सकता है. एंड जब हम सेंसेस करते हैं तो वॉट वी सी इन अ पर्टिकुलर एरिया, डिफाइंड एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम, डिफाइंड एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड ऑफ अ स्पेसिफिक स्पीशीज. अगर सेंसेस कर रहे हैं तो तीन चीजें याद रखते हैं. कौन सी तीन चीजें, इंडिया का सेंसेस है ना तो बाउंड्री है. सेकेंड है कि 2021 का सेंसेस कर रहा है तो टाइम पीरियड है, उस मोमेंट पर कितना पॉपुलेशन है. सेंसेस कर रहे हैं तो इट कैन नॉट बी जनरलाइज सेंसेस कि यार पूरे वर्ल्ड में कितना पॉपुलेशन है. हम पॉपुलेशन क्या डिफाइंड एरिया का करते हैं, डिफाइंड टाइम पर करते हैं, एंड सिंगल स्पीशीज का ही करते हैं. सिंगल स्पीशीज का ही करते हैं. तो ये आपको पता चाहिए. एंड फॉरेस्ट सर्वे इज ऑल्सो अ सेंसेस, इज अ टाइप ऑफ सेंसेस. वो हर 2 साल बाद होता है. फॉरेस्ट सर्वे कितने साल बाद होगी, बाइनियल, 2 साल में एक बार होता है. एंड दिस ईयर गवर्नमेंट इज डूइंग सेंसेस ऑफ बहुत सारी चीजों का. गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कितना पॉपुलेशन है. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो अपना गैंजेटिक डॉल्फिन है, उसका सेंसेस भी कौन कर रहा है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कर रहा है. यू शुड ऑल्सो नो, ये करंट अफेयर्स में. सेकेंडली, फर्स्ट टाइम वी हैव साइंड अ प्रोटोकॉल टू डू विथ सेंसेस, स्नो लेपर्ड सेंसेस. न्यूज में है ये दोनों चीजें न्यूज में है. तो साइड बाई साइड आपको ये भी चल जाता है, डॉल्फिन सेंसेस करने वाले हैं एंड स्नो लेपर्ड सेंसेस करने वाले. अब जब हम स्नो लेपर्ड देखेंगे ना, तो हम स्नो लेपर्ड प्रोग्राम, स्नो लेपर्ड का IUCN स्टेटस साइमल्टेनियसली आपको पता चाहिए क्या, वल्नरेबल. क्लाउडेड लेपर्ड का वल्नरेबल. साइड बाई साइड लिख के लीजिए, क्योंकि हम क्या है, बहुत सारी चीजें इंटरलिंक वे में पढ़ने वाले हैं. जैसे टाइगर कर लिया, टाइगर एंडेंजर्ड, एलिफेंट एंडेंजर्ड, राइनो वल्नरेबल. साइड बाय साइड उधर वी मार दीजिए. हम जो भी वर्ड, जो भी एनिमल देखेंगे उसका साइड बाय साइड स्टेटस भी देखते जाएंगे, क्योंकि इट्स अ स्लो प्रोसेस. धीरे धीरे सब कुछ चीजें याद होती है. नहीं, गवर्नमेंट ही करवाएगा, लेकिन उसके लिए प्रोटोकॉल साइन किया फर्स्ट टाइम. धीरे धीरे आएगा. आई एम जस्ट फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट हाफ आवर भी नहीं हुआ, एंड एंड तक मत जाइए. धीरे धीरे वील कवर एवरीथिंग. प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड से लेके प्रोजेक्ट एलिफेंट, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कवर्ड. जस्ट हैव पेशेंस. मैं जिस डायरेक्शन से पढ़ा रहा हूँ उस डायरेक्शन से ही जाइए. उसके बाद आपको और एक डेफिनेशन पता चाहिए, नीश. नीश मतलब क्या, तो नीश और हैबिटेट दो चीजें हैं. हैबिटेट मतलब क्या, वो जहां रहता है. ऑर्गेनिज्म इज द प्लेस वेयर द ऑर्गेनिज्म लिव्स इज नोन एज हैबिटेट. एंड हैबिटेट प्लस द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द इकोसिस्टम इज नोन एज नीश. तो दो चीजें नीश में आते हैं. फर्स्ट इज हैबिटेट प्लस फंक्शनल रोल ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द इकोसिस्टम इज नोन एज नीश. हैबिटेट इज द प्लेस वेयर ही लिव्स. Habitat is the place where he lives, and niche is habitat plus the functional role of the organism. Functional role of the, no two organisms can have same niche. No two organisms can have niche, same niche in a same ecosystem or same community mein, same region mein, no two organisms can have same function and same habitat. Agar aisa hoga to kya hoga,
कॉम्पिटिशन होगी और एक एक्सटेंट होगा, एक बच जाएगा, ठीक है ना। तो ये पता चाहिए, साइड बाय साइड आपको पता चाहिए कि दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म है दो, एक तो कम्युनिटी में नहीं रह सकते दोनों, दोनों का सेम नीश नहीं रह सकता, लेकिन दो कम्युनिटीज का सिमिलर नीश अलग अलग रीजन में हो सकता है क्या? टू ऑर्गेनिज्म हैविंग सिमिलर नीश इन डिफरेंट रीजन्स आर नोन एज इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट। नया टर्म इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट इज ऑर्गेनिज्म हैविंग सिमिलर नीश इन डिफरेंट रीजन्स, दैट इज दे आर नोन एज इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट। इकोलॉजिकल, तो इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट क्या है, वो ऑर्गेनिज्म का नीश सेम है, उनका हैबिटेट और फंक्शन सेम है, बट इन डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट रीजन्स, तो दे आर नोन एज इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट। और एक आपको होम रेंज, व्हाट डू मीन बाय होम रेंज, होम रेंज, होम रेंज इज अ एरिया वेयर द ऑर्गेनिज्म लिव्स आल्सो एंड मूव्स आल्सो। तो हैबिटेट मतलब क्या, उस एरिया में रहता है सिर्फ। अभी एलिफेंट का क्या है, इट मूव्स बहुत लंबे एरिया में वो मूव करता है ना, दैट एरिया वेयर ही लिव्स आल्सो एंड मूव्स आल्सो, दैट इज नोन एज रेंज, होम रेंज, होम रेंज, होम रेंज आपको पता चाहिए। समझ में आ रहा है, स्लोली विल मूव टू नेक्स्ट फैक्टर। इज जैसे मैंने बोला कि इकोसिस्टम में देयर आर बायोटिक फैक्टर्स एंड अबायोटिक फैक्टर्स। अबायोटिक फैक्टर्स कौन से अबायोटिक फैक्टर्स है, टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, सनलाइट हो गया, सो सॉइल पैटर्न हो गया, सॉइल पैटर्न हो गया। तो हर एक फैक्टर हैज एन इफेक्ट ऑन द बायोटिक फैक्टर, मतलब ऑल द इन क्या बोलते हैं, ऑल द अबायोटिक फैक्टर हैव अ इम्पैक्ट ऑन द बायोटिक फैक्टर। जैसे ही चेंज होता है, जैसे टेम्परेचर चेंज हो गया, तो दैट इम्पैक्ट और दैट हैज एन इम्पैक्ट ऑन बायोटिक फैक्टर। इमेजिन कल वेदर चेंज हो गया, कल क्लाइमेट चेंज हो गया, विच इज अबायोटिक फैक्टर, एंड इफेक्टिवली आप पर फर्क पड़ता है क्या? यू ब्रिंग इन योर स्वेटर्स, टेम्परेचर कम हो गया, अगर बारिश हो गई तो आप क्या करते हो, छाता लेके आते हो। सो देर इज ऑलवेज एन ऑर्गेनिज्म का एक टेंडेंसी होता है टू कन्फर्म, टू एंश्योर दैट देर इज होमियोस्टेसिस। वो ये नहीं चाहता कि वो बैलेंस एंश्योर, प्लीज अंदर कोई जगह है क्या? थोड़ा सा एडजस्ट हो जाओ यार, एम इधर ध्यान दो। विल वेट फॉर माय मिनट्स, थोड़ा सा स्पेस दो यार, शिफ्ट हो जाओ, रेगुलेट देमसेल्फ। जैसे टेम्परेचर चेंज होता है ना, सो देर आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, सही है ना। व्हाट डू वार्म ब्लडेड एनिमल्स डू इफ देर इज सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर? हम क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल है ना, सडनली टेम्परेचर बाहर चेंज हो गया तो हम क्या है, इंटरनली वी कैन रेगुलेट आर टेम्परेचर बॉडी, दैट इज रेगुलेशन। एंड इफ वी, एंड दूसरे टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, कैन दे रेगुलेट देयर टेम्परेचर? नहीं रेगुलेट कर सकते। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, दे माइग्रेट। तो उनके पास दो तीन ऑप्शन है, फर्स्ट इज वॉट दे कैन डू इज माइग्रेट, या दे कैन गो इन टू एस्टिवेशन एंड hibernation, astivation and hibernation is what suspend they, what do they do is they suspend their activities. It's also a type of mechanism for ensuring homeostasis. Samajh mein aaya na? So abhi question aa sakta hai ki there are different biomes, there are different biomes. What do you mean by biome? What do you mean by biomes? See, बहुत सारी चीजें simultaneously चलने वाली है, so do not worry. What do you mean by biomes?
बायोम्स का डेफिनेशन लिख के लो क्योंकि वो हर बार आएगा. बायोम्स का डेफिनेशन लिख लो, इट्स अ लार्ज एरिया, इट्स अ लार्ज एरिया विद वेरियस फ्लोरा एंड फाउना, विद वेरियस कम्युनिटीज ऑफ फ्लोरा एंड फाउना. Having common climatic conditions, living in a common climatic and environmental conditions, living in common environmental and climatic conditions. So there are different biomes. So क्या है कि एक ऐसा area जहाँ common climatic conditions है and large habitat है and various communities एक साथ रहते हैं. तो in world में there are different biomes. देयर डिफरेंट बायोम्स, तो ये आपको पता चाहिए. So there are different biomes. There are different biomes. So सबसे ऊपर कौन सा है? Tundra biome. सबसे ऊपर कौन सा है? Tundra. उसके नीचे क्या है? Tiger. There is tiger. Tundra हो गया, tiger हो गया. And whenever there is sudden change of temperature in tundra, what do animals do? Hibernation. Or jo tiger ke animal kya karte? Migration karte. They migrate. But tundra ke animal kya karte? They go into hibernation. That is a way of regulating their temperature. तो हमने क्या क्या ways देखा, how do human beings or animals or how do animals ensure homeostasis? First is मैंने क्या बोला, regulate. Next is migration. Third is suspension of activities is the three ways of adapting to the change of a biotic stress को कैसे handle करते हैं. With respect to आपको ये diagram बहुत important है. ये diagram आपको दिमाग में चाहिए कि कौन सा biome कहाँ है, कौन सा biome. हम basically दो तीन biomes के बारे में आपको एकदम ये पता चाहिए. First उसमें desert biome आपको पता चाहिए. Desert कहाँ है? 10 degree to 30 degree on the which border of the continent? Western. And इधर desert. स्टेपीज कहाँ है? सवानास, मॉनसूनल. तो बेसिक हम बाकी सारे चीजों में, लेकिन इतना तो आपको पता चाहिए कि ये बेसिक सारे बायोम्स है जो आपको पता चाहिए. तो डेजर्ट बायोम में व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, वो कैसे, हाउ डू दे रेगुलेट द प्लांट्स How do they regulate? What are the characteristics shown by the desert plants? First, likhe lo. What are the characteristics shown by desert plant? First, they show what? Deep roots. Second, they show what? Small leaves or needles. Converted to needles. Then they show what? Thick leaves, closed stomata, fleshy stem. So these are the major characteristics of plants. What are the characteristics shown by animals? Animals kaise hote hain desert area mein? They are nocturnal.
नॉक्टर्नल क्यों? रात में क्या है, टेम्परेचर कम होता है, तो मोस्ट ऑफ द डेजर्ट एनिमल्स आर नॉक्टर्नल. डेजर्ट एनिमल्स आर नॉक्टर्नल. सेकेंड वॉट दे हैव इज मोर सर्फेस एरिया एंड लेस वॉल्यूम. सही है ना, मोर सर्फेस एरिया एंड लेस वॉल्यूम. तो इफेक्टिवली दैट इज ट्रांसलेटेड इन टू लॉन्ग लेग्स, लॉन्ग अपेंडेजेस. लॉन्ग लेग्स होते हैं वो एनिमल्स के, एंड लॉन्ग अपेंडेजेस होते हैं. अपेंडेजेस मतलब ईयर्स लॉन्ग होते हैं. What this long legs and long appendages do is heat dissemination. And yahi the organisms which live in desert area, they have long legs, appendages, long ears. This is reflected in which rule? Allen's rule. This is known as what? Which rule? Allen's rule. Allen's rule kya bolta hai? Animals which are living in desert area have long legs and appendages, long ears. Q, to disseminate heat. To disseminate heat. And those animals which are living in tundra, what they have is short legs and short body size, short to avoid heat dissemination. तो क्या समझ में आया ना, एलन रूल मतलब क्या. सिमिलरली और एक रूल आपको पता है, बर्गमैन रूल पता चाहिए. बर्गमैन्स रूल, व्हाट इज बर्गमैन रूल्स? वो क्या बोलता है, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप. मतलब वो क्या बोलता है कि जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है ना, तो बर्गमैन रूल बोलता है कि जो भी डेजर्ट में एनिमल है उनका सरफेस एरिया ज्यादा है एंड वॉल्यूम कम है. वो एनिमल्स का क्या है, सरफेस एरिया ज्यादा है एंड वॉल्यूम कम है. सरफेस एरिया ज्यादा है एंड वॉल्यूम कम है. एंड अपोजिट जो टूंड्रा में रहते हैं उनका क्या है, वॉल्यूम ज्यादा है एंड सरफेस एरिया कम है. दैट इज बर्गमैन्स रूल. बर्गमैन्स रूल, तो दो रूल आपको पता चल गए, कौन सा, एलन्स रूल एंड बर्गमैन्स. ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों, लेकिन आपको दोनों रूल्स पता चाहिए, एलन्स रूल एंड बर्गमैन्स रूल. है ना, प्लीज प्लीज, दोनों में सेम ही है. एलन्स रूल क्या बोलता है, लॉन्ग लेग्स एंड लॉन्ग अपेंडेजेस. इफेक्टिवली सरफेस एरिया ज्यादा ही होगा ना. लॉन्ग अपेंडेजेस, लॉन्ग ईयर्स मतलब क्या, अपेंडेजेस ज्यादा होंगे. एंड लॉन्ग लेग्स क्यों होता है, क्योंकि सरफेस टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है. अगर वो क्लोज रहेंगे तो क्या होगा, हीट ज्यादा होगा. और लॉन्ग ज्यादा सरफेस एरिया से क्या होगा, हीट डिसेमिनेशन ज्यादा होगा. तो ये दो रूल्स आपको पता चाहिए, एलन्स रूल एंड बर्गमैन्स. और एक रूल मैं आपको साइड बाय साइड बता देता हूं, लेकिन जो न्यू मतलब जो इसमें आता है, दैट इज लिंडमैन्स रूल. एनीवन? 10%. वेरी गुड, वेरी गुड. लिंडमैन्स रूल क्या बोलता है कि वेन यू मूव फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अदर ट्रॉफिक लेवल, मतलब हर्बीवोरस से क्या लगता है, कार्निवोरस तक जाते हो. ट्रॉफिक लेवल्स पता है ना, आगे आएंगे, लेकिन मैं साइड बाय साइड बता रहा हूँ. अभी रूल्स आए तो साइड बाय वी थॉट ऑफ कवरिंग वन मोर रूल, दैट इज लिंडमैन रूल. तो वो क्या बोलता है, हर एक ट्रॉफिक लेवल पर हम जैसे बढ़ते हैं, ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड. 90% क्या होते हैं, लॉस्ट इन रेस्पिरेशन. दैट इज लिंडमैन्स रूल. तो ये आपको पता चाहिए. एंड और एक साथ उसके साथ और एक चीज आपको विद रिस्पेक्ट टू एमसीक्यू पता चाहिए. द एनर्जी फ्लो, सबसे ज्यादा एनर्जी फ्लो दो टाइप के फूड चेन से, एक कौन सा है, ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रिटस फूड चेन. सही है ना, ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्रिटस. ग्रेजिंग में वॉट इज अ रॉ मटेरियल, प्लांट्स. एंड डेट्रिटस में डेड एनिमल्स और डेड एनीथिंग, डेड लिटर. तो दो टाइप के फूड चेन है. तो द एनर्जी फ्लो सबसे ज्यादा किससे होता है, डेट्रिटस फूड चेन या ग्रेजिंग फूड चेन से? सी, यहां आपको कंफ्यूजन हो सकता है, जो टेरेस्ट्रियल बायोम्स है या टेरेस्ट्रियल एरिया है, लैंड है, वहां डेट्रिटस फूड चेन में ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर होती है या ज्यादा एनर्जी का फ्लो होता है. एंड जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वहां ग्रेजिंग फूड चेन से ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर होती है. तो ये एक आपको साइड बाय साइड जब हम लीनमैन देख रहे हैं तो ये भी पता चाहिए. तो डेट्रिटस फूड चेन से ज्यादा एनर्जी फ्लो लैंड इकोसिस्टम्स या लैंड बायोम्स में फॉर्म होती है, एंड
एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या है, किससे ज्यादा फ्लो होती है एनर्जी, ग्रेजिंग से, एंड लैंड इकोसिस्टम से डेट्रिटस फूड चेन से, डेट्रिटस फूड चेन से. डेट्री वोर्स और डीकम्पोजिशन में क्या डिफरेंस है, डेट्री वोरस एंड डीकम्पोजर्स, डीकम्पोजर्स. अगर क्वेश्चन आया है प्रिलिम्स में क्या है कि हम क्या एकदम बेसिक तक जाना चाहते हैं, अभी आए हैं तो साइड बाय साइड हम, इसलिए मैंने बोला जो मेन टॉपिक चल रहा है ना आपको 2/3 पेजेस पर चलाना है, 1/3 पेजेस में मैं जैसे जैसे साइड बाय साइड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते जाऊंगा, तो हर एक पेज को आपको 2/3 और 1/3 में डिवाइड करना है, क्योंकि फिर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, हम बहुत सारी चीज़ें साइड बाई साइड देखने वाले हैं. तो 2/3 पर जो मेन टॉपिक चल रहा है, हम कौन सा होमियोस्टेसिस चल रहा है, डेजर्ट चल रहा है वो है, लेकिन साइड बाई साइड मैंने लिंडमैन रूल्स बना दिया, बता दिया, और ये एक फैक्ट बता दिया, तो वो आपको साइड बाई 1/3 पेज में चलते रहना चाहिए. तो मैं क्या बोल रहा था, डेट्रिटस एंड डेट्रीवोरस एंड डीकम्पोजर्स में क्या डिफरेंस है. तो डेट्रीवोरस व्हाट दे डू और डेट्रिटस डेट्रीवोरस एनिमल्स व्हाट दे डू इज दे लिव एंड दे स्टे एंड दे गेट एनर्जी फ्रॉम डेड एनिमल्स. एंड डीकम्पोजर्स इज व्हाट दे डू इज दे डिसइंटीग्रेट कॉम्प्लेक्स what do you say, complex food or complex organic material into simpler elements. So kya hai, detrivorous are also decomposers. Detrivorous kya hai, wo kis par rehte hai, what is the basic meaning of detrivorous? They live and they get energy from what? Dead animals. Aur wo side by side kya karte hai, usko simplify bhi kar rahe hai, usko disintegrate bhi kar rahe hai. तो क्या है, डेट्रीवोरस आर डीकम्पोजर्स ऑल्सो, डेट्रीवोरस एनिमल्स आर डीकम्पोजर्स. लेकिन डीकम्पोजर्स का मेन एम क्या है, अगर डीकम्पोजर्स पूछा तो उसका एम क्या है, टू डिसइंटीग्रेट इनटू माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, टू डिसइंटीग्रेट कॉम्प्लेक्स मटेरियल इनटू माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. तो मैं इसका बता रहा था, किसका बता रहा था, मैं डेजर्ट के बारे में मैंने बता दिया. सेकेंडली टूंड्रा के बारे में पता चाहिए आपको, कि टूंड्रा के बारे में यह पता चाहिए वहां ज्यादा बिग प्लांट्स नहीं है, उधर सिर्फ मॉसेस एंड फंगाई मिलता है, सिर्फ क्या मिलता है, मॉसेस एंड फंगाई मिलता है, उधर कोई बिग प्लांट्स कुछ ऐसा कुछ नहीं मिलता. एंड रेनफॉल सिर्फ समर्स में होता है, वहाँ सिर्फ समर्स में रेनफॉल होता है, सिर्फ समर्स में रेनफॉल होता है. समर्स में रेनफॉल होता है. तो ये बेसिक चीज है आपको विथ रिस्पेक्ट टू टूंड्रा, ये पता चाहिए. एंड वहां के एनिमल्स का जैसे मैंने बोला कि लार्ज बॉडी साइज होता है, लार्ज बॉडी साइज है, लिख के लीजिए, हाइबरनेशन वहां होता है. रेनडियर, फॉक्सेस, पोलार बियर्स वहां मिलते हैं, रेनडियर, फॉक्सेस, पोलार बियर्स. विलोज, हेयर नाम के एनिमल्स होते हैं, हेयर, HARE, हेयर. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज कवर्ड बाय स्नो. अभी टूंड्रा मतलब इट इज डिफाइंड बाय टेम्परेचर, मतलब क्या है, वहाँ कंटिन्यूसली लो टेम्परेचर. देर आर टू टाइप्स ऑफ टूंड्रा, एक तो होता है कौन सा, आर्कटिक और एंटार्कटिक टूंड्रा, और दूसरा कौन सा, अल्पाइन टूंड्रा मतलब हिमालय का जो पीक होगा वहाँ भी सेम क्लाइमेटिक कंडीशन रहेंगे ना. तो हमने बायोम का डेफिनेशन देते हुए क्या देखा, दोज एरिया हैविंग सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशंस, सही है ना. तो अल्पाइन टूंड्रा भी होता है, टूंड्रा इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली आर्टिक और एंटार्कटिक, इट्स रिस्ट्रिक्टेड टू अल्पाइन रीजन्स ऑल्सो. अल्पाइन मतलब क्या, पीक ऑफ द माउंटेन्स बिकॉज क्यों, वहां सेम क्लाइमेटिक कंडीशन. तो ये आपको पता चाहिए. टाइगा के बारे में लिखिए. टाइगा में कौन सा टाइप ऑफ फॉरेस्ट होते हैं, कॉनी फॉरेस्ट, ब्रॉड लीफ कॉनीफरस फॉरेस्ट होते हैं. फॉरेस्ट फायर बहुत ज्यादा होता है. पॉडजॉल नाम की सॉइल होती है, पॉडजॉल, POD ZOL, पॉडजॉल.
एंड विच हैज लो पीएच एंड वेर इज बहुत ज्यादा कम उसमें न्यूट्रिशन होता है, लो न्यूट्रिशियस होती है, न्यूट्रिशन नहीं है. क्यों न्यूट्रिशन कम होता है? डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता, डिकम्पोजिशन ह्यूमस फॉर्मेशन नहीं हो पाता. क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है. तो समझ में आया ना, तो लिंक हो रहा है. और जब भी वन ऑफ द रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, उसको प्रोसेस को बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं. एंड ह्यूमिफिकेशन के लिए आइडियल कंडीशन कौन सा है? वार्म कंडीशन. कोल्ड कंडीशन में ह्यूमिफिकेशन का प्रोसेस क्या होता है? रुक जाता. कोल्ड कंडीशन में ह्यूमिफिकेशन का प्रोसेस रुक जाता है. ह्यूमिफिकेशन इज फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, ब्लैक अमॉर्फस ऑर्गेनिक कंपाउंड. ह्यूमस का डेफिनेशन क्या है? ब्लैक अमॉर्फस ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट गिव्स न्यूट्रिशियस वैल्यू टू द सॉइल. ब्लैक अमॉर्फस. और वन मोर फैक्टर जो एनसीईआरटी में दिया है कि प्रेजेंस ऑफ चाइटिन एंड लिग्निन, प्रेजेंस ऑफ चाइटिन एंड लिग्निन ऑल्सो रिड्यूसेस द प्रोसेस ऑफ ह्यूमिफिकेशन. लिख के लो, द प्रेजेंस ऑफ चाइटिन, CHITN एंड लिग्निन ऑल्सो रिड्यूसेस द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन एंड ह्यूमिफिकेशन. रिड्यूसेस द प्रोसेस ऑफ और स्लोज डाउन द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन एंड ह्यूमिफिकेशन. अगर ये दो कंपाउंड है, दीज आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसको ब्रेक डाउन करना बहुत डिफिकल्ट है. अगर डिफिकल्ट प्रोसेस है तो क्या होगा? ज्यादा टाइम लगेगा. तो ये दो कंपाउंड कौन से? चाइटिन एंड लिग्निन. रहा तो क्या होता है? डीकम्पोजिशन स्लो डाउन होता है. एंड डीकम्पोजिशन में वन ऑफ द प्रोसेस इन द होल डीकम्पोजिशन. डीकम्पोजिशन मैंने क्या बोला? कॉम्प्लेक्स इंटू सिंपल. उसमें एक प्रोसेस क्या है? ह्यूमिफिकेशन इज वन प्रोसेस. ह्यूमिफिकेशन इज वन प्रोसेस इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन. ह्यूमिफिकेशन इज वन प्रोसेस इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन एंड दैट इज अफेक्टेड बाय चाइटिन, लिग्निन एंड टेम्परेचर. वार्म टेम्परेचर में फास्टर ह्यूमिफिकेशन होता है एंड द सॉइल इज मोर न्यूट्रिशियस. तो ये आपको पता चाहिए. साइड बाय साइड इंफॉर्मेशन है ये, जब हम डिटेल में देखेंगे, जब डिकम्पोजिशन प्रोसेस पूरा देखेंगे तब आपको पूरा डेफिनेटली समझ में आएगा. एनिमल्स कौन से होते हैं? टाइगर में लिख लीजिए, साइबेरियन टाइगर, वुल्फ, रेड फॉक्स, वुल्फ, रेड फॉक्स. तो ये मेजर एनिमल्स है. नेक्स्ट इज सवाना. आपको मेजर पता चाहिए, सवाना पता चाहिए, सवाना बायोम, सवाना बायोम्स पता चाहिए. और विच आर द ट्रीज प्रेजेंट इन टाइगा? कॉनिफरस ट्रीज, ओक पाइन, ओक पाइन, उस टाइप के ट्रीज. कॉनिफरस ट्रीज मिलते हैं, ब्रॉड लीफ ट्रीज मिलते हैं, ब्रॉड लीफ ट्रीज मिलते हैं, ब्रॉड लीफ ट्रीज मिलते हैं. जैसे मैं बोल रहा था कि व्हेनेवर देयर इज, तो मतलब मैं सवाना के बारे में पता चलता था. सवाना का एरिया क्या है? 10-30 इन द मिड कॉन्टिनेंट, 10-30 इंटू इन द मिड कॉन्टिनेंट. यहाँ क्या होता है? ट्रीज होते हैं और फ्यू ग्रासेस होते हैं. इट्स मोर ऑफ अ ट्रीज विथ लेस ग्रासेस एंड इट इज ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ बिग एनिमल्स. सवानों को क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ बिग एनिमल्स. उसमें क्या होता है? ज्यादा ट्रीज होते हैं और कम ग्रासेस होते हैं. तो यहां जिराफ, चीता, टाइगर, हॉर्सेस कौन से एरिया में मिलते हैं? मेजरली अफ्रीकन एरिया, पता है ना, अफ्रीकन सफारी. सवाना अफ्रीकन सफारी सवाना रीजन में, अफ्रीकन सफारी सवाना रीजन. तो वहां क्या है कि वो एनिमल्स को मूव करने के लिए बड़ी जगह है, बड़ी जगह मिलती है. दैट इज वाई सवानाज आर नोन एज लैंड ऑफ बिग एनिमल्स. तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है. अभी जज करना है कि आपको वो एनिमल दिया है, कुछ तो एनिमल दिया है, जिराफ दिया है, कहाँ मिलेगा? सवाना में ना. तो आपको पता चाहिए कि क्यों सवाना में, क्यों यहाँ ट्रीज है. स्टेपीज में क्या है? मेजरली ग्रासेस. स्टेपीज में ग्रासेस ही, यहाँ ग्रासेस कम बट मोर ऑफ ट्रीज.
widely distributed trees and few grasses. Widely distributed trees and few grasses. तो यहां जेब्रा, जिराफ, डियर, टाइगर, एलिफेंट सारे यहां मिलते हैं. एंड सवाना में याद रखिए ऑल्टरनेट ड्राई एंड वेट सीजन होते हैं. ऑल्टरनेट ड्राई एंड वेट सीजन होते हैं. ऑल्टरनेट ड्राई एंड वेट सीजन. ऑल्टरनेट ड्राई एंड वेट सीजन. तो अभी तक इतना ही ध्यान रखिए ये मेजर बायोम्स के बारे में. जैसे जैसे हम मूव ऑन करेंगे सारे बायोम्स करेंगे, लेकिन अभी तक मुझे लगता है ये बेसिक बायोम्स के बारे में आपको पता चाहिए. नेक्स्ट आपको एक चीज़ के पता पता चाहिए, इंटरस्पीसीज इंटरैक्शन. जैसे इकोसिस्टम में क्या होता है, मैंने इकोसिस्टम का डेफिनेशन क्या बताया, इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक एंड बिटवीन बायोटिक एंड बायोटिक ऑल्सो. इकोसिस्टम इज इंटरैक्शन बिटवीन वेरियस कम्युनिटीज एंड दिस इंटरैक्शन कैन बी पॉजिटिव इंटरैक्शन एंड नेगेटिव इंटरैक्शन. तो पॉजिटिव इंटरेक्शन में देर आर टू टू थ्री टाइप्स ऑफ पॉजिटिव इंटरेक्शन. लिख के लो फास्ट. फर्स्ट पॉजिटिव इंटरेक्शन का एग्जांपल क्या है, जब वेयर द ऑर्गेनिज्म हैव अ पॉजिटिव इंटरेक्शन. पॉजिटिव मतलब दोनों का फायदा होता है. फर्स्ट इज सिम्बायोसिस. सिम्बायोसिस ना, सिम्बायोसिस का एग्जांपल कोरल रीफ्स, पॉलिप एंड ज़ूज़ैंथला. पॉलिप्स एंड ज़ूज़ैंथला. नेक्स्ट इज कमेंसलिज्म. कमेंसलिज्म में क्या होता है, एक को फायदा दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. दैट इज एपीफाइट्स. एपीफाइट्स ना, दे ग्रो ऑन द लॉन्ग ट्रीज. एपीफाइट्स. एंड थर्ड इज, थर्ड कौन बताएगा, नहीं पॉजिटिव में. थर्ड इज अ टाइप ऑफ सिम्बायोसिस का टाइम है, लेकिन उसको बोलते हैं, लिख के लो, प्रोटो कोऑपरेशन. Proto-cooperation. What is the difference between symbiosis and proto-cooperation? Question आ सकता है क्या? Proto-cooperation में वो अपनी खुद की जगह पे रह सकते हैं. So they are independent. जैसे sea anemone and crab होता है ना, वो पता ना कि जैसे sea anemone and crabs का example है, जिसमें क्या है कि वो crab कहाँ बैठता है, sea anemone पर बैठता है. एंड वो क्रैप को क्या करता है, हेल्प करता है लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवलिंग के लिए. और उससे क्रैप का भी फायदा किसको मिलता है, सी एमोन को मिलता है. तो प्रोटो कोऑपरेशन में क्या होता है, दोनों अलग से रह सकते हैं. क्रैप भी अलग से रह सकता है, सी एमोन भी साइड बाई साइड रह सकता है, लेकिन साथ में आए तो एक दूसरे का फायदा है. लेकिन पॉलिप कोरल रिफ्स में क्या है, साथ रहेंगे तभी फायदा है. दैट इज सिम्बायोसिस. मतलब क्या, अगर दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो क्या है, दोनों थ्रेट में है, दोनों का नुकसान है. लेकिन प्रोटो कोऑपरेशन में अगर दोनों अलग भी रहे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. दे आर इंडिपेंडेंट इन देमसेल्फ. दैट इज प्रोटो कोऑपरेशन एंड सिम्बायोसिस का डिफरेंस. सिम्बायोसिस तो उसके साथ हमको साइड बाय साइड कोरल रीफ्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट, सिम्बायोसिस. कोरल रीफ्स में क्या होता है, ज़ूज़ैंथला एंड पॉलिप. पॉलिप्स कैलकेरियस पॉलिप होता है, ये डिफरेंस आपको पता है. ज़ूज़ैंथला क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है एंड फूड प्रोवाइड करता है. एंड पॉलिप क्या करता है, इट गिव्स प्रोटेक्शन एंड हैबिटेट. हैबिटेट पता चाहिए. कोरल रीफ्स आर नोन एज रेन फॉरेस्ट ऑफ सी और ओशन, दोनों बोलते हैं. एंड इट इज अ प्लेस एंड इट गिव्स अ प्लेस फॉर हैबिटेट फॉर वेरियस ऑर्गेनिजम्स. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द, लिख के लो सिर्फ देखो मत, साइड बाई साइड कोरल रीफ्स भी हम खत्म कर देंगे. तो इट गिव्स प्रोटेक्शन. इट इज़ अ सोर्स ऑफ, मतलब क्या होता है, वहाँ क्या होता है कि हैबिटेट होता है फॉर ब्रीडिंग ग्राउंड. हैबिटेट भी है, बहुत सारे एनिमल्स वहाँ रहते हैं, क्रैब्स, ये फिशेस उसके अंदर रहते हैं. ब्रीडिंग ग्राउंड भी है. कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है क्या, डेफिनेटली कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन. इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ऑल्सो. एंड डज इट हेल्प फ्रॉम फ्लड्स, इट्स ऑल्सो वन ऑफ द लाइन्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम सी वेव्स. सुनामी प्रोटेक्शन के लिए भी हेल्प हो रहा है. टूरिज्म में हेल्प है क्या, डेफिनेटली टूरिज्म में भी हेल्प है. तो कोरल लीव्स हैव ह्यूज बेनिफिट. एंड कोरल लीव्स वार्म करने के लिए व्हाट आर द बेसिक कंडीशन, वार्म वाटर चाहिए, क्लियर वाटर चाहिए, सेडिमेंट फ्री वाटर चाहिए, 20-30 डिग्रीज टेम्परेचर चाहिए. सही है ना, कोरल लीव्स को फॉर्मेशन के लिए. एंड कोरल लीव्स आर नॉट फाउंड ओनली इन ट्रॉपिकल रीजन. फ्यू ऑफ द कोरल लीव्स आर फाउंड ओनली टेम्परेट रीजन में भी फ्यू ऑफ द कोरल लीव्स आर फाउंड. मेजर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कोरल लीव्स आपको साइड बाय साइड पता चाहिए. कौन से होते हैं,
एक तो अटोल होता है, अटोल में क्या है, सेंट्रल में लगून होता है, लेक होता है एंड उसके अराउंड कोरल रीफ्स होते हैं. सेकेंड क्या होता है, बैरियर रीफ्स होते हैं. ये बीच है एंड देयर इज अ लगून बिटवीन द बैरियर रीफ एंड द बिटवीन द कोरल रीफ्स एंड द बीच. एंड दूसरा कौन सा होता है, फ्रिंज विच आर एडजेसेंट टू द बीचेस, एडजेसेंट टू द, एंड द बिगेस्ट कोरल रीफ इज द ग्रेट बैरियर रीफ. आपको पता चाहिए साइड बाय साइड कोरल रीफ्स के बारे में. और एक चीज आपको पता चाहिए कि द प्रोसेस ऑफ ब्लीचिंग आपको पता चाहिए. ब्लीचिंग मतलब क्या, वेर देर इज अ सेपरेशन ऑफ ज़ूसैंथेला फ्रॉम द पॉलिप्स, देर इज सेपरेशन. एंड ब्लीचिंग मतलब क्या, व्हाइटनिंग. मोस्टली जो ज़ूसैंथेला होता है ना, बहुत कलरफुल होता है. लोग क्यों अंडर वाटर, वो क्या बोलते हैं उसको, स्कूबा डाइविंग क्यों करते हैं, कलरफुल होते हैं, अच्छे दिखने में होते हैं. एंड टूरिज्म उधर नीचे जाने के, उसके साइड में फिशेस भी बहुत सारे होते हैं. क्यों, क्यों, इट प्रोवाइड्स हैबिटेट. समझ में आ रहा है ना. तो कोरल रीफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है. जब देर इज अ चेंज इन, सडन चेंज इन टेम्परेचर, और देर इज डिपोजिशन ऑफ एग्रीकल्चरल वेस्ट, और देर इज ऑयल स्पिल्स, और देर इज ओशन एसिडिफिकेशन. ओशन एसिडिफिकेशन क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज. CO2 ज्यादा एटमोसफियर में, वो इफेक्टिवली कहाँ डिजोल्व होगा, ओशन में. ओशन में डिजोल्व हो गया मतलब क्या हो गया, कार्बोनिक एसिड फॉर्म हो गया. कार्बोनिक एसिड फॉर्म हो गया मतलब क्या हो गया, एसिडिफिकेशन हो गया. एसिडिफिकेशन हो गया मतलब क्या, उसमें क्या हो जाता है, जब भी ओशन एसिडिफिकेशन होता है, पीएच कम हो जाता है ओशन का, देर इज वॉट, देर इज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कोरल रीफ्स. तो ओशन एसिडिफिकेशन की वजह से देर इज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कोरल रीफ्स. जो भी कैलकेरियस कैल्शियम का, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ पॉलिप होता है ना, वो डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट होता है. जो भी किससे बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट डिसोसिएट्स व्हेन देयर इज ओशन एसिडिफिकेशन, और वो जल्दी फास्ट अप प्रोसेस हो जाता है, फास्ट अप. तो ये आपको पता चाहिए कोरल रीफ्स के बारे में. ब्लीचिंग के बारे में, ब्लीचिंग क्यों बोलते हैं, बहुत सारे लड़कियां, आई थिंक सो दे मस्ट बी, क्या वाइटनिंग ऑफ द स्किन इज ब्लीचिंग बोलते हैं. लेकिन रिलेट करने के लिए आपको थोड़ा सा रिलेट करने के लिए यह है कि ब्लीचिंग इज क्या, उसका कलर वाइट हो जाता है. इसकी वजह से वो कलर इज बिकॉज, जो उसको ओरिजिनल कलर मिलता है वो किसके वजह से कलर मिलता है, ज़ूसैंथेला के वजह से मिलता है. तो ये आपको पता चाहिए. विथ रिस्पेक्ट टू कोरल रीफ्स आपको साइड बाय साइड बहुत सारी चीजें हम देखेंगे. फ्रिंज कोरल रीफ, दे आर कंटिन्यूस विद द कोस्ट, दे आर कंटिन्यूस विद द कोस्ट. तो देर इज अ डार्विन का थ्योरी. किसका थ्योरी, डार्विन थ्योरी. डार्विन थ्योरी क्या बोलता है, फर्स्ट क्या होता है, फ्रिंज. फर्स्ट कौन से टाइप ऑफ रीफ्स होते हैं, फ्रिंज वाले. फ्रिंज वाले क्या होता है, फिर बैरियर, एंड बैरियर से अटोल, बैरियर से अटोल, बैरियर से अटोल. तो फ्रिंज, डार्विन थ्योरी इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन डार्विन थ्योरी आपको पता चाहिए. इट्स विथ रिस्पेक्ट टू फॉर्मेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स, वेरियस टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स. कोरल रीफ्स कहाँ कहाँ मिलते हैं इंडिया में, आपको पता चाहिए. लक्षद्वीप, लक्षद्वीप मेजरली इज वॉट, कोरल. अंडमान निकोबार में भी है, गल्फ ऑफ मन्नार में, गल्फ ऑफ कच्छ में, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र में भी कोरल रीफ्स मिलते हैं, आपको पता चाहिए. 2018 में स्टैपकोर नाम की कॉन्फ्रेंस हुई थी इंडिया में. स्टैपकोर लिख के लो, STAPCOR, स्टैपकोर नाम की कॉन्फ्रेंस हुई थी. दैट वॉज हेल्ड इन लक्षद्वीप, दैट वॉज हेल्ड इन लक्षद्वीप इन एसोसिएशन विथ IUCN, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, IUCN जूलॉजिकल सर्वे एंड MOEF. सिमिलरली इनकॉइस एक नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ है, हैदराबाद में, एंड दैट हैज कोरल ब्लीचिंग अलर्ट सिस्टम का एक सिस्टम है उधर, कोरल ब्लीचिंग अलर्ट सिस्टम. अगर कोई कोरल ब्लीचिंग हो रहा है तो वहां से आपको आइडिया मिलता है. इनकॉइस, इनकॉइस इज इन हैदराबाद. इनकॉइस इज अंडर विच मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस. एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का एक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है, ESSO, अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन. ESSO के अंडर वेरियस ऑर्गेनाइजेशन आते हैं. फर्स्ट उसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन का है इनकॉइस. IMDB इसके अंडर आता है. IMD है ना जो न्यूज में होता है, इट इज अंडर ESSO. ESSO इज अ वर्चुअल लार्जर ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ इंप्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस. एंड ESSO के अंडर वेरियस ऑर्गेनाइजेशन आते हैं. वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज इनकॉइस. सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन मैंने कौन सा बताया, IMD.
अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन, अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन. देन देर इज, आपको और एक ऑर्गेनाइजेशन के पता बारे में पता चाहिए, लिख के लो, ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क. एंड ये ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क एक इनिशिएटिव है, एंड अंडर इस इनिशिएटिव देर इज अ रिपोर्ट जो उन्होंने निकाला है, स्टेटस, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन स्टेटस ऑफ कोरल रीफ, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन स्टेटस ऑफ कोरल रीफ. तो ग्लोबल, इसको क्या मैंने बताया, कौन सा नेटवर्क है, मॉनिटरिंग नेटवर्क. तो इसमें क्या है, मॉनिटरिंग नेटवर्क में क्या है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस, या कहाँ कोरल ब्लीचिंग हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है, तो इस मॉनिटरिंग नेटवर्क थ्रू एक दूसरे को शेयर की जाती है. तो इसमें साइंटिफिक नॉलेज शेयर की जाती है एंड स्ट्रेंथन की जाती है, एंड टू आइडेंटिफाई कि कहाँ कोरल ब्लीचिंग होने वाली. तो इट्स अ नेटवर्क, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क है. और इन्होंने कौन सा रिपोर्ट निकाला के आया है, निकाला इन्होंने ग्लोबल रिपोर्ट ऑन स्टेटस ऑफ कोरल रीफ्स, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन स्टेटस ऑफ कोरल रीफ्स. तो ये आपको कोरल रीफ के बारे में इतना अभी तक के लिए इतना मोर देन इनफ है, इतना अभी तक मोर देन इनफ. एंड डाइवर्सिटी, सबसे ज़्यादा अगर डाइवर्सिटी कहाँ मिलती है, तो वो कहाँ मिलती है, कोरल रीफ्स. कोरल रीफ्स के अराउंड बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है. डाइवर्सिटी मतलब क्या, डाइवर्सिटी मतलब बहुत सारे स्पीशीज मिलते हैं. तो आपको डाइवर्सिटी की भी पता चाहिए. एंड साइड बाई साइड जब डाइवर्सिटी की बात हो जाती है, तो आपको साइड बाई साइड अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी के भी बारे में पता चाहिए. लिख के लो. तो कोरल रीफ्स में क्या होता है, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी ऑलमोस्ट सिमिलर, वी कैन नॉट कंपेयर, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर, सबसे ज्यादा इन दो एरिया में ही होता है, सबसे ज्यादा इन दोनों एरिया में. लेकिन स्लाइटली ज्यादा अगर डाइवर्सिटी देखा जाए, तो ओशन में ज्यादा डाइवर्सिटी, अगर रेन फॉरेस्ट के कंपेयर में अगर देखा जाए, तो ओशन में ज्यादा डाइवर्सिटी. तो आपको ये पता चाहिए, ऑलमोस्ट सिमिलर है, वी कैन नॉट अभी एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि किसमें ज्यादा, लेकिन दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर है. तो मैं ये बोल रहा था कि डाइवर्सिटी, अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी. एंड दिस ईयर्स इकोनॉमिक सर्वे हैज ऑल्सो ब्रॉट आउट अ न्यू शैनॉन विनर इंडेक्स लेके आया विथ रिस्पेक्ट टू डाइवर्सिटी. इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा क्या किसी ने, विल कवर द इकोनॉमिक, जो भी एनवायरमेंट रिलेटेड इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में दिया, दैट ऑल्सो वी वुड कवर इन आर लेक्चर्स. एंड इस साल के फॉरेस्ट सर्वे हम जब देखेंगे, तो उसमें भी इट हैड मेंशन शैनॉन विनर इंडेक्स, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू डाइवर्सिटी. तो दैट थ्री टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब कितने डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज है एक रीजन में, एक कम्युनिटी में, एक हैबिटेट में, कितने डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज है. जब इकोसिस्टम की बात किया जाता है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी. लिख के लो, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी. तो अल्फा डाइवर्सिटी, इट शोज डाइवर्सिटी विद इन पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर एरिया. अल्फा डाइवर्सिटी इज डाइवर्सिटी बिटवीन पर्टिकुलर एरिया. बीटा डाइवर्सिटी इज डाइवर्सिटी बिटवीन इकोसिस्टम. दो इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी जब देखनी है, तो उसको बिटवीन इकोसिस्टम कौन सी है, बीटा. एंड लास्ट इज गामा डाइवर्सिटी, दैट इज ओवरऑल डाइवर्सिटी, ओवरऑल कम्युनिटी या पूरे रीजन में डाइवर्सिटी. ओवरऑल डाइवर्सिटी इज डिनोटेड बाय गामा डाइवर्सिटी. तो इतना आपको एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से, इतना अल्फा बीटा गामा, अल्फा इज विद इन अ एरिया, बीटा इज बिटवीन इकोसिस्टम, एंड ओवरऑल डाइवर्सिटी के लिए गामा डाइवर्सिटी. एंड शैनॉन विनर इंडेक्स लिख के लो साइड बाय साइड, शैनॉन SHANNON, शैनॉन WEINER, शैनॉन विनर इंडेक्स, शैनॉन विनर इंडेक्स. इट ऑल्सो शोज ट्री डाइवर्सिटी मेजर करने के लिए, कौन से रीजन में सबसे ज्यादा ट्री डाइवर्सिटी कहाँ है, विथ रिस्पेक्ट टू ट्री डाइवर्सिटी है. इट मेजर्स ट्री डाइवर्सिटी. एंड इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में दे हैव फाउंड कि यार सबसे ज्यादा ट्री डाइवर्सिटी कौन से स्टेट में है, कर्नाटका सबसे ज्यादा है, देन केरला, लेकिन कर्नाटका सबसे ज्यादा है. कर्नाटका मोस्टली, केरला आप मारोगे अगर आया ना, कंफ्यूजन केरला के साथ होगा, लेकिन आएगा आंसर क्या है, कर्नाटका. कर्नाटका में सबसे ज्यादा ट्री डाइवर्सिटी है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज ऑफ ट्रीज है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज ऑफ ट्रीज है. तो शैनॉन विनर इंडेक्स मेजर्स ट्री डाइवर्सिटी. तो डाइवर्सिटी हम जब देख रहे हैं, तो यू शुड ऑल्सो नो अबाउट दिस शैनॉन विनर इंडेक्स.
शैनॉन वीनर इंडेक्स, ठीक है, समझ में आ रहा है, लिंक हो रहा है थोड़ा सा, हम बहुत सारे चीजों को साइड बाय साइड टच कर रहे हैं इसलिए कभी कभी ये लगेगा। एंड व्हेन यू सी एन इकोसिस्टम देयर आर वेरियस पिरामिड्स, यू शुड नो अबाउट, फास्ट में कर देते सबको पता है वेरियस टाइप्स ऑफ पिरामिड्स, कौन से एक तो है कि कौन सा पिरामिड होता है, नंबर्स का पिरामिड इन अ इकोसिस्टम, नंबर्स का पिरामिड। तो नंबर्स का पिरामिड मोस्टली इट कैन बी बोथ, कौन सा, स्ट्रेट एंड इनवर्टेड, नंबर्स का पिरामिड, नंबर्स का पिरामिड इट कैन बी स्ट्रेट और इनवर्टेड। स्ट्रेट कहां होता है नंबर्स का, इट कुड बी ओशनिक भी हो सकता है ना, सबसे ज्यादा क्या है फाइटोप्लैंक्टन, और लास्ट में क्या है वेल, सबको कौन खाता है, वेल खाता है, समझ में आया ना, तो ओशनिक भी हो सकता है। इनवर्टेड किस में होता है, ट्री इकोसिस्टम, ट्री में क्या, सिर्फ ट्री तैयार करता है लेकिन उसके अराउंड उस पर क्या होता है, इंसेक्ट्स भी होते हैं, बर्ड्स भी होते हैं बहुत सारे, तो इन्वर्टेड कहाँ, ट्री इकोसिस्टम इज अ इन्वर्टेड नंबर का इकोसिस्टम। देन बायोमास का भी पिरामिड होता है, नॉर्मल जो पिरामिड है बायोमास का, बायोमास का यूनिट क्या है, ग्राम पर मीटर स्क्वायर, लिख लो ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर आएगा, बहुत सारे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो मैं क्या बोल रहा था, बायोमास का पिरामिड, बायोमास का जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसमें क्या है, स्टेट वाला पिरामिड कौन सा है, टेरेस्ट्रियल, जहां बहुत सारे क्या होता है, बहुत सारा फार्मिंग में क्या है, या फिर ट्रीज क्या करते हैं, सारा प्राइमरी प्रोडक्शन करते हैं, फिर हर्बीवोरस, फिर कार्निवोरस, लेस नंबर ऑफ कार्निवोरस, लेकिन सबसे ज्यादा किसका बायोमास है, ऑफ द हर्बीवोरस, और हर्बीवोरस नहीं उससे ज्यादा क्या होता है, प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, तो वो क्या हो गया बायोमास का स्टेट। इन्वर्टेड कौन सा होता है, एक्वाटिक इकोसिस्टम, द वेट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन इज लेस बट द वेट ऑफ वेल इज मोर, तो इन्वर्टेड कौन सा हो गया बायोमास में, एक्वाटिक इकोसिस्टम। अगर वेट कंसिडर किया जाए तो फाइटोप्लैंक्टन प्लैंक्टन्स का वेट बहुत कम है, वो दो दे आर प्रोड्यूसर्स, उनका वेट बहुत कम है, लेकिन वेल का वेट बहुत ज्यादा है। तो बायोमास का, मैंने जो जैसे बोला कि बायोमास का इन्वर्टेड पिरामिड कहाँ मिलता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक नंबर का वहां क्या है, स्टेट है, लेकिन बायोमास का इन्वर्टेड है। एनर्जी पिरामिड क्या होता है, ऑलवेज इट इज अपराइट, यूनिडायरेक्शनल, तो ये आपको पता चाहिए, यूनिडायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल, और हर एक स्टेज में कितना होता है, हर एक स्टेज में क्या होता है, 10% लॉस होता है, 10% उसको कौन सा लॉ बोलते हैं, लिंडमैन्स लॉ होता है। एंड जो सबसे ज्यादा जो ट्रीज तैयार करती है जितने भी एनर्जी, उसको क्या होता है, प्राइमरी प्रोडक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। व्हाट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, अभी जितना भी सनलाइट से एनर्जी आ रहा है उसका कितना परसेंट वो कन्वर्ट कर पा रहा है प्लांट्स, दैट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एंड जो प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोडक्शन। तो सनलाइट से एनर्जी कहां आ रहा है, सनलाइट से एनर्जी कौन ले रहा है, प्लांट्स ले रहे हैं, दैट जितना भी एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एंड मतलब उसका कितना परसेंटेज, अगर सनलाइट 100 यूनिट्स एनर्जी दे रहा है तो उसका कितना परसेंटेज प्लांट्स गेन कर पा रहे हैं, तो कितना होता है, 1%, मतलब बहुत कम है, तो प्रोडक्टिविटी इसको बोलते हैं। एंड जो तैयार करता है उसको प्राइमरी प्रोडक्शन बोलते हैं। अब क्या होता है, प्लांट्स क्या करते हैं, थ्रू रेस्पिरेशन कुछ 90% एनर्जी उनका चला जाता है, एंड ओनली 10% इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट लेवल, दिस इज नोन एज सेकेंडरी प्रोडक्शन एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्शन एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो ये आपको बेसिक पिरामिड्स, आपको हमने तीन टाइप ऑफ पिरामिड कौन से देख लिया, नंबर, बायोमास एंड एनर्जी। एनर्जी में हमने देख लिया कि अपराइट होता है, 10% रूल देख लिया हमने, प्राइमरी प्रोडक्शन देख लिया एंड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देख लिया, प्राइमरी प्रोडक्शन एंड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एंड किसका यूनिट देख लिया हमने, बायोमास का यूनिट देख लिया।
चलेगा. नेक्स्ट, जैसे मैंने कोरल रीफ्स में एक चीज बताना भूल गया, प्रूवी अनमैंड एयर अंडर वाटर व्हीकल है, प्रूवी. अनमैंड अंडर वाटर एरियल व्हीकल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, टू मॉनिटर कोरल रीफ्स. चलेगा इतना. आई थिंक सो वी हैव रीच्ड टिल प्रूवी. कोरल रीफ्स डाइवर्सिटी बता दिया, पिरामिड्स बता दिया. लेट्स टेक फ्यू इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट. विल कंटिन्यू विद दिस. एक थोड़ा जगह छोड़ के फ्यू रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस विच आर इन न्यूज साइड बाई साइड वो कवर करेंगे हम, एंड विल अगेन कम बैक टू दिस टॉपिक. लेकिन थोड़ा सा क्या बोलते हैं, इस चीज़ को साइड में रख के विल टेक फ्यू कौन सा रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस. तो फर्स्ट आपको जो रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस, दो तीन पेजेस का जगह, मतलब एक अलग से ये बनाइए आपके इसमें. बुक में लिख रहे हो तो थोड़े 10-15 पेजेस छोड़ के फिर से एक इंडेक्स ही लिख लिए. आपको थोड़े रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस हम कवर करेंगे, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे जैसे मैं बताता हूँ. फर्स्ट इज क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स. इट इज इन न्यूज. क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन निकालता है? जर्मन वॉच लिख के लो. जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क. इंडिया का पोजीशन कितना है? 9th. इंडिया का पोजीशन 9th है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स. क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क. एंड व्हाट डज दिस डू, व्हाट डज दिस इंडेक्स शो? कि यार जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी एक्शन ले रहा है फॉर प्रोटेक्टिंग द क्लाइमेट, और फॉर जो भी एक्शंस ले रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जो जो एक्शंस ले रहा है, उस पर्सपेक्टिव से वो जज करता है हर एक कंट्री को कि उतना उसके पॉलिसीज में कितना कितने अच्छे पॉलिसीज ले रहा है. एंड इस इंडेक्स का मेन क्या होता है? टू ब्रिंग इन ट्रांसपेरेंसी इन द पॉलिसी मेकिंग, टू ब्रिंग इन द ट्रांसपेरेंसी इन द पॉलिसी मेकिंग, एंड टू प्रमोट कंट्रीज टू टेक एक्शन फॉर क्लाइमेट चेंज, फॉर प्रोटेक्टिंग क्लाइमेट चेंज. तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, सिमिलरली एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स भी है. एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स एंड इट जजेस एनवायरमेंटल पॉलिसीज का परफॉर्मेंस चेक करता है. जितने भी गवर्नमेंट के एनवायरमेंटल पॉलिसीज है उसको चेक करता है, रेट करता है एनवायरमेंटल पॉलिसीज को. एंड ये कौन निकालता है? WEF एंड कोलंबिया एंड येल यूनिवर्सिटी का कॉम्बिनेशन, कोलंबिया एंड येल यूनिवर्सिटी. और इसे इसमें इंडिया का रैंक कितना है? 177th. येल यूनिवर्सिटी, कोलंबिया नहीं है. और ये दोनों का इंडेक्स आपको कहाँ यूज करना है? आपको मेंस में भी यूज करना है. इंट्रोडक्शन में ये दो इंडेक्सेस आपको लिखना है कि बुअर परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया इन एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स. सेकेंडली आपको और एक चीज के बारे में पता चाहिए, दैट इज ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक. Recently, that is a report which is released, Global Environment Outlook. Global Environment Outlook. किसका है? Global Environment Outlook. UNEP. UNEP. UN Environment को ही UNEP बोलते हैं. UN, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? साइड बाय साइड लिख लो. नैरोबी. Formed during Stockholm Conference. UNEP is formed during Stockholm Conference का first day पर UNEP बना था. उसका हेडक्वार्टर नैरोबी है. तो ये आपको पता चाहिए. एंड इट सेज वर्ल्ड एनवायरनमेंट आउटलुक में यही बोला है कि यार जो भी एनवायरनमेंटल पोल्यूशन हो रहा है उस पर, मतलब उससे इंडिया को ऑलमोस्ट $3 trillion का हेल्थ इंपैक्ट पड़ने वाला है. जो हेल्थ पर इंपैक्ट होने वाला है एयर पोल्यूशन से, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से, उस रिपोर्ट में क्या बोला है कि इंडिया को कितना लॉस होने वाला है हेल्थ सेक्टर में? $3 trillion. तो थोड़ा आपको पता चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड एनवायरमेंट आउटलुक. $3 trillion का हेल्थ इम्पैक्ट, हेल्थ पर मतलब इतना हेल्थ लॉस होने वाला है $3 trillion जितना. सिमिलरली UNEP और एक रिपोर्ट निकालता है, एमिशन गैप रिपोर्ट. एमिशन गैप रिपोर्ट शोज कि वॉट एक्चुअली यू हैव प्रोमिस ड्यूरिंग पैरिस एंड वॉट एक्चुअली यू आर अभी क्या कंडीशन है. तो कितना गैप है जो आपके एक्शंस और एक्चुअल में कितना गैप है.
आपका एक्चुअल आपको कितना करना था और एक्शन में कितना कर रहे हो, बिटवीन द स्टेटेड लेवल ऑफ CO2 emission and the actual, तो उसमें कितना गैप है, that is emission gap report given by UNEP. Similarly, आपको और एक bulletin पता चाहिए, global greenhouse gas bulletin. Greenhouse gas bulletin released by किसने? Greenhouse gas bulletin कौन release करता है? WMO, World Meteorological Organization. And World Meteorological Organization releases one more important report. आपको पता है status of world climate. Status of world climate is also released by WMO. UNEP का और एक report है frontier report. UNEP का और एक report कौन सा है? Frontier report. And it says कि 5 major challenges, energy issues क्या क्या है world के? 5 major energy issues. Frontier report. Energy issues. फ्रंटियर रिपोर्ट. WMO हेडक्वार्टर का है, WMO का जेनेवा. साइड बाय साइड लिख लो जेनेवा. नेक्स्ट इज ग्लोबल एनर्जी एंड CO2 स्टेटस रिपोर्ट. ग्लोबल एनर्जी एंड CO2 स्टेटस रिपोर्ट कौन है, कौन बताएगा? ये ऑल दिस रिपोर्ट्स आर इन न्यूज. ऑल दिस रिपोर्ट्स आर इन न्यूज. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी. International Energy Agency headquarter? Vienna. Paris. वो IAEA अलग है, ये International Energy Agency है, which is also an मतलब NGO type ही है ये. तो ये आपको पता चाहिए. Global Energy and CO2 status report. तो ये report के बारे में थोड़ा सा आपको पता चाहिए, क्योंकि ये आप कहीं भी मेंस में बहुत बार लिख सकते हो. ये वो रिपोर्ट बोलता है कि जितना भी पर कैपिटा अपना इमिशन है ना, वो 40% लेस है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज. हमारा पर कैपिटा CO2 इमिशन बहुत कम है. दो इंडिया का रैंकिंग इतना है, CO2 इमिशन थर्ड है. फर्स्ट कौन है? चाइना. सेकेंड US एंड थर्ड इंडिया. अगर EU की बात करें तो इंडिया फोर्थ चला जाता है. ऐसे तो इंडिया थर्ड पर है अगर सिर्फ कंट्रीज की बात करें, लेकिन इंडिया क्या बोलता है, हमारा पर कैपिटा इमिशन क्या है, बहुत कम, 40% ऑफ द एवरेज. तो ये कौन से रिपोर्ट में बोला है? एनर्जी एंड ग्लोबल एनर्जी एंड CO2 स्टेटस रिपोर्ट. ये आप इस रिपोर्ट का हेल्प ले सकते हो क्या? कभी भी आपको डिफेंड करना है इंडिया का स्टैंड कि यार इंडिया सिर्फ अभी भी कोल एनर्जी पर क्यों डिपेंडेंट है, क्यों एनर्जी, हम हमेशा बोलते हैं ना यार हम कोल यूज कर सकते हैं, क्यों यूज कर सकते हैं, हमारा पर कैपिटा इमिशन बहुत कम है. तो इसके वजह से हम ये कर सकते हैं. तो ये आपको रिपोर्ट पता चाहिए. एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ये WEF का एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स. एंड नेक्स्ट और एक रिपोर्ट है, और एक इंडेक्स है, ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स. ये WEF का, दोनों WEF का है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स एंड दूसरा ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स. किसके है दोनों? WEF. डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है विद रिस्पेक्ट टू रिपोर्ट्स. एंड सेकेंड ग्लोबल केमिकल आउटलुक, ये बोलता है कि केमिकल एंड वेस्ट, केमिकल वेस्ट का मैनेजमेंट. ये रिपोर्ट क्या बोलता है, केमिकल वेस्ट का मैनेजमेंट इज बहुत नेसेसरी, सस्टेनेबल मैनेजमेंट होना चाहिए. अच्छे से मैनेजमेंट होगा तभी वी कैन अश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो इट एम्स एट साउंड मैनेजमेंट ऑफ केमिकल पोल्यूशन फॉर एंश्योरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट. किसका रिपोर्ट है ये, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? UNEP. Second, climate. Next is climate vulnerability index. Climate vulnerability index किसका है? कौन बताएगा? कौन सी मिनिस्ट्री बता दो बस. वेरी गुड, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी.
मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इट जजेस वेरियस हिमालयन स्टेट्स, सिर्फ 12 हिमालयन स्टेट्स का क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी देखता है वो, कि जितने भी हिमालयन स्टेट्स है उसमें सबसे ज्यादा वल्नरेबल कौन सा है टू क्लाइमेट चेंज. तो क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स आपको पता चाहिए, क्लाइमेट 12 स्टेट्स, 12 हिमालयन स्टेट्स, हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का देखता. तो इस रिपोर्ट के हिसाब से आसाम एंड मिजोरम आर द मोस्ट वल्नरेबल स्टेट्स. आसाम एंड मिजोरम आर द मोस्ट वल्नरेबल स्टेट. नेक्स्ट आपको और एक रिपोर्ट पता चाहिए, डीकार्बोनाइजिंग डेवलपमेंट, एक फेमस रिपोर्ट है. किसका? डीकार्बोनाइजिंग डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक. डीकार्बोनाइजिंग डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक. नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट. स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट किसका है? FAO. स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट, FAO. स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट इज FAO. सेकेंडली और एक रिपोर्ट आपको FAO का पता चाहिए, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट बाय FAO. ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट. नेक्स्ट इज, नेक्स्ट रिपोर्ट इज स्टेट ऑफ द वर्ल्ड वाटर रिपोर्ट. स्टेट ऑफ द वर्ल्ड वाटर रिपोर्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड वाटर रिपोर्ट. एंड इट इज रिलीज्ड ऑन 22nd March, विच इज वर्ल्ड वाटर डे. 22nd March, विच इज वर्ल्ड वाटर डे, एंड रिलीज बाय वाटर एड नाम की एक इंस्टीट्यूट है. वाटर एड नाम की एक इंस्टीट्यूट है, वाटर एड. एंड इट सेज इंडिया इज द, इंडिया में सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है. इंडिया में सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है. एंड इंडिया इज द कंट्री विच यूजेस मैक्सिमम नंबर ऑफ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर का सबसे ज्यादा डिप्लीशन कहाँ हो रहा है? इंडिया में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है. एंड उसी के लिए कौन सी स्कीम लेके आया जो हम आगे देखेंगे? अटल भूजल, अटल भूजल योजना. एंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाटर, यू शुड नो टू ऑर्गेनाइजेशन. टू ऑर्गेनाइजेशन आपको साइड बाय साइड पता चले, साइड बाय साइड पता चाहिए, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड एंड सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी. व्हाट इज द डिफरेंस? सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड एंड सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, दोनों अथॉरिटी है. कौन से मिनिस्ट्री के अंडर? जल शक्ति, जल शक्ति. लेकिन दोनों अथॉरिटीज के बारे में आपको पता चाहिए. सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी इज फॉर्म्ड अंडर विच एक्ट? क्वेश्चन आ सकता है. वेरी गुड, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन. एंड दिस ईयर दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज इन न्यूज. मैं इसलिए ले रहा हूँ कि ये इस साल, इस पिछले साल मतलब 2019 में ये ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में थी. क्यों न्यूज में थी? सो इन्होंने क्या कर दिया, फाइंस लगाना स्टार्ट कर दिया फॉर इंडस्ट्रीज, दोज हु आर एक्सेसिवली यूजिंग ग्राउंड वाटर. This organization has the authority to levy fines. Levy fines if there is groundwater depletion. लेकिन policy कौन बनाता है? Policy बनाता है, board बनाता है. Monitoring कौन करता है? Board करता है. Actual implementation protection का कौन करता है? Authority. Central groundwater authority, which is formed under which act? Environment Protection Act. Environment Protection. एंड उसी के लिए ग्राउंड वाटर प्रमोशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए कौन सा है? अटल भूजल योजना, अटल भूजल योजना 2020 to 2024. कितने स्टेट्स? सेवन स्टेट्स. एंड इसमें क्या करता है? कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द स्टेट्स, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर कंजर्वेशन एंड इंप्रूविंग द ग्राउंड वाटर एंड इंसेंटिवाइजिंग द स्टेट्स. दो चीजें होती है, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंसेंटिवाइजिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंसेंटिवाइजिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंसेंटिवाइजिंग. एंड जो मैंने रिपोर्ट बोला ना, कौन सा रिपोर्ट बोला मैंने? इट सेज इंडिया एक्सपोर्ट्स अराउंड 12% ऑफ वाटर. How does India exports 12% of its water? Rice. And sugar cane, sugar. तो ये रिपोर्ट बोलता है कि इंडिया कितना 12% of its water, highest है ये world.
सिमिलरली वाटर का देख रहे हैं तो और एक इंडेक्स आपको पता है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिलीज बाय नीति आयोग कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स वो क्या बोलता है 600 crores कितना 600 crore ना 1 crore या 600 crore 60 crore people are facing the threat are under facing water crisis 60 crore people in India 60 crore people are facing next is a living planet report next is living planet report next report kaun sa hai living planet report released by WWF WWF ka logo kya hai logo पांडा कौन सा पांडा जायंट पांडा उसका स्टेटस वल्नरेबल और इंडिया में कौन सा पांडा मिलता है रेड पांडा उसका स्टेटस एंडेंजर्ड साइड बाय साइड लिख लो एंडेंजर्ड एंडेंजर्ड है बाद में देखना घर पे जाके लेकिन एंडेंजर्ड एंड WWF का हेडक्वार्टर ग्लैंड इन स्विट्जरलैंड एनजीओ ये और एक रिपोर्ट बहुत फेमस है इट्स ए न्यूज जो WWF इस साल रिलीज किया है उन्होंने लिख के लो ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फॉरेस्ट डाइवर्सिटी है क्या नहीं न्यूज में है ना ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फॉरेस्ट डाइवर्सिटी ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट कौन है FAO लेकिन कौन सा रिपोर्ट है ये फॉरेस्ट डाइवर्सिटी कौन सा है WWF And WWF is also responsible for celebrating Earth Hour. Earth Hour. सही है ना मार्च में सेलिब्रेट होता है मोस्टली समटाइम्स अराउंड लास्ट वीक ऑफ मार्च अर्थ ओवरशूट डे इज ऑल्सो बाय WWF. अर्थ ओवरशूट डे इज ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क एंड WWF. इट्स अ इनिशिएटिव किसका है WWF एंड ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क और ओवरशूट डे मतलब क्या कि जिस दिन अर्थ का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कौन से दिन वो अगर वर्ल्ड अर्थ एक साल में 100 यूनिट एनर्जी बना रहा है या 100 केजीज कुछ प्रोडक्ट बना रहा है या 100 केजीज का अपना कैपेसिटी है कुछ नई चीज कितने 100 केजीज का कोई फूड ग्रेन या कुछ भी बना रहा है अब हमारी पॉपुलेशन वो 100 केजीज कितने ये एक साल में बना रहा है तो अर्थ अपने ह्यूमन बींग्स कितने जल्दी ये कंज्यूम कर पा रहा है तो इस साल वो हर साल क्या हो रहा है जल्दी जल्दी हो रहा है इस साल कब आया 20th जुलाई तो इट शोज कि यार कितने जल्दी हमारा पॉपुलेशन वी आर यूजिंग द अर्थ रिसोर्सेस 20th जुलाई के बाद क्या कर रहे हैं एक्स्ट्रा रिसोर्स कंज्यूम कर रहे हैं अर्थ का कैपेसिटी हर साल जनरेट कितने का ना 100 यूनिट्स है लेकिन वो 100 यूनिट्स हम कितना जल्दी कंज्यूम कर पा रहे हैं अर्थ ओवरशूट डे मतलब 20 जुलाई के बाद हम ओवरशूट कर जाते हैं हमारा टारगेट्स जुलाई से दिसंबर तक हम क्या यूज करते हैं नई जो भी हमें हम व्हाट वी आर डूइंग इज एक्सट्रैक्टिंग न्यू रिसोर्सेज पुटिंग मोर प्रेशर ऑन द एनवायरमेंट ये किसका इनिशिएटिव है ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क एंड WWF इज ऑल्सो नोन इंडिया में और एक चीज आपको ले TX2 प्रोग्राम है डबलिंग टाइगर पॉपुलेशन बाय 2022 दैट इज ऑल्सो इनिशिएटिव ऑफ WWF हम ये सारी चीजें लेंगे साथ में लेकिन आपको साइड बाय साइड WWF लिया है तो यू शुड नो ऑल द इनिशिएटिव साइड बाय साइड क्योंकि याद रखने में इंपॉर्टेंट होता है कौन सा इनिशिएटिव TX2 सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन हुआ था याद रखना सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन उस डिक्लेरेशन में बोला गया था कि हम क्या करेंगे 2022 तक क्या करेंगे डबल करेंगे पॉपुलेशन का किसका टाइगर्स का विच कंट्री इज द फर्स्ट कंट्री टू डबल इट्स पॉपुलेशन नहीं यार इंडिया नहीं है नेपाल एंड 2022 क्यों बिकॉज इट्स चाइनीज न्यू ईयर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय टाइगर्स Chinese New Year, which is represented by tigers, 2022, इसलिए उसको 2022 बोला है ऐसे नहीं कि अपना 75th ईयर है वो नहीं है रीजन चाइना है तो समझ में आया ना
TX2 प्रोग्राम, सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन, सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन आपको साइड बाय साइड पता चाहिए, हम डिटेल में लेंगे, टाइगर कंजर्वेशन लेंगे ना, फिर से आएगा ये, लेकिन अभी WWF आया तो साइड बाय साइड आपको ये सारी चीजें पता चाहिए, साइड बाय साइड चीजें पता चाहिए। हमने इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का कौन सा रिपोर्ट देखा है? एनर्जी एंड CO2, और एक उसका एक रिपोर्ट है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। एंड IAEA का हेडक्वार्टर मैंने कहाँ बोला? पेरिस। एंड इसमें सिर्फ कौन से कंट्रीज है पता है? इंडिया, इज इंडिया पार्ट ऑफ इट? नहीं, सिर्फ OECD कंट्रीज, सिर्फ OECD कंट्रीज। एंड इट वॉज फॉर्म्ड इन 1973 आफ्टर ऑयल क्राइसिस, अलग से लिख के लीजिए। नेक्स्ट, समझ में आया ना? हमने दो रिपोर्ट देखे, किसके? इंटरनेशनल एनर्जी क्राइसिस। एक और एक एजेंसी है इंटरनेशनल रिन्यूएबल, सॉरी REN21, ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट, लिख के लो, ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट बाय REN21। REN21 का हेडक्वार्टर पेरिस, एंड इट्स ऑल्सो एन NGO, REN21, रिन्यूएबल एनर्जी 21, हेडक्वार्टर इज इन पेरिस, एंड ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट। एंड इस रिपोर्ट में क्या बोलता है, हर एक कंट्री कितना रिन्यूएबल एनर्जी तैयार कर रहा है हर साल। तो इंडिया का रैंक कितना है? 5th विथ रिस्पेक्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन। और एक ऑर्गेनाइजेशन विथ रिस्पेक्ट टू, आपको पता चाहिए, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अबू धाबी, विच ऑल्सो प्रमोट्स रिन्यूएबल एनर्जी अराउंड द वर्ल्ड। सिमिलरली रिन्यूएबल एनर्जी का हम देख रहे हैं, तो आपको एक सरल इंडेक्स इस साल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, सरल, लिख लो फुल फॉर्म, स्टेट ऑफ रूफटॉप सोलर अट्रैक्टिव इंडेक्स, स्टेट ऑफ रूफटॉप सोलर अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स। सरल इंडेक्स क्या बोलता है? हर एक स्टेट गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज दे रहा है, क्या इंसेंटिवाइज कर रहा है, हर एक स्टेट गवर्नमेंट को वो रैंक करता है कि विथ रिस्पेक्ट टू देयर पॉलिसीज, व्हाट पॉलिसीज दे आर टेकिंग विथ रिस्पेक्ट टू अट्रैक्टिंग सोलर और प्रोमोटिंग सोलर पावर प्लांट, रूफटॉप सोलर पावर प्लांट। हमारा टारगेट कितना है? 175 है ना, 175 में 100 क्या है? सोलर है, सोलर में भी 60 एंड 40 है। 60 कौन सा है? 40 रूफटॉप है, एंड 60 क्या है? नॉर्मल सोलर पावर प्लांट्स, जो ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट्स है ना, तो वो कितना है? 60 गीगावाट उससे आना चाहिए, 40 गीगावाट सोलर रूफटॉप सोलर प्लांट से आना चाहिए। रूफटॉप सोलर पावर प्लांट के साथ इशू क्या है? ये सेक्टर इज मेजरली, मतलब इसके जो पॉलिसीज है ना, वो कौन बताता है, बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट। तो क्या है, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट कोई अट्रैक्टिव पॉलिसीज नहीं बना रहा, इसलिए कहीं अभी तक हम देख नहीं रहे कि रूफटॉप सोलर पावर प्लांट्स बैठ रहे हैं। तो टू इंसेंटिवाइज, टू एंश्योर कौन सा फेडरलिज्म? कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म। तो रैंकिंग कर रहे हैं, कौन रैंकिंग कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ASOCAM एंड ENY, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो इन्होंने कौन सा इंडेक्स लेके आया? सरल इंडेक्स, सरल इंडेक्स, ASOCAM एंड ENY, अर्नेस्ट एंड यंग है ना, ENY, तो ये आपको पता चाहिए। नेक्स्ट, ग्लोबल असेसमेंट लिख के लो, ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख के लो, इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी, इंटर गवर्नमेंटल
intergovernmental science policy platform on biodiversity. Science policy platform for biodiversity. IPBES. IPBES pata hai na? Intergovernmental science policy platform on biodiversity. Jaise IPCC hai na? IPCC kya karta hai? क्लाइमेट चेंज के लिए देखता है ना, बायोडाइवर्सिटी के लिए कौन देखता है? ये ऑर्गेनाइजेशन देखता है. कौन सा? IPBES. वो साइंटिफिक क्या करता है? साइंटिफिक स्टडी करता है. हाँ, बायोडाइवर्सिटी का कितना लॉस हो रहा है, क्यों लॉस हो रहा है, कैसे बचाया जा सकता है. जैसे आईपीसीसी रिपोर्ट निकालता है ना, आईपीसीसी ब्रिंग्स आउट रिपोर्ट, वैसे ही आईपीसीसी का सिमिलर रोल, आईपीसीसी क्लाइमेट चेंज के लिए रोल, उसका रोल है कि इट ब्रिंग्स आउट रिपोर्ट्स. It brings out two types of reports. One is annual reports. Annual reports. Annual reports nahi, kya bolte hai? Assessment reports. And dusra special reports. Kaun sa report? Do type of reports nikal ke aata hai. Assessment report. IPCC do type ki report nikalta hai. Intergovernmental panel on climate change. Aapko pata chahiye. Intergovernmental panel. It's an initiative of WMO and IPCC brings out two types of report, assessment report and special report. Assessment report कौन सा हो गया? हमारा पांच assessment report आ चुका है, अभी sixth आने वाला है. पांच report आ चुके हैं and sixth आने वाला है. And special report, इस साल दो report आया है special report. First report is climate change and land, and दूसरा cryosphere and climate change. Ocean, cryosphere and climate change. तो कौन से दो special report आए इस साल of IPCC? First is climate change and land, climate change and land, and दूसरा आया है cryosphere, ocean and climate change. तो ये आपको पता चाहिए. IPBES is similar to IPCC. और IPBES कौन सा report निकालता है? मैंने कौन सा report बोला? बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज. इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अभी तक नहीं आया. IPBES पर क्वेश्चन आने की. IPBES का हेडक्वार्टर इज इन बॉन, जर्मनी. बॉन, जर्मनी. IPBES का हेडक्वार्टर कहाँ है? बॉन, जर्मनी. बॉन, जर्मनी. बॉन, जर्मनी. आपको ये पता चाहिए. नेक्स्ट, और एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट. वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट कौन निकालता है? क्वेश्चन आ सकता है क्या? मैं ऐसे कुछ ये नहीं पूछ रहा, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी नहीं सिखा रहा हूं. एवरीथिंग कैन बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन, एवरीथिंग इज इन न्यूज. एवरीथिंग, जितने भी रिपोर्ट्स लिए ना, व्हाट वी हैव डन इज कंपाइल्ड ऑल द रिपोर्ट्स एक साथ, क्योंकि आप हर जगह अलग अलग, इससे अलग अलग रिपोर्ट्स, व्हाट वी हैव डन इज एक साथ. और इसको रिपोर्ट्स में क्या है, सिर्फ लर्न करना है. अगर हम एक साथ सारे रिपोर्ट्स देख ले तो देयर वुड बी क्लैरिटी. तो ये रिपोर्ट है यूएन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम. UN Office on Drug and Crime. UN Office on Drug and Crime. कौन सा रिपोर्ट है? Similarly, UN Office on Drug and Crime runs an important program for the protection of wildlife and forests. लिख के लो. Global Program on Wildlife and Forest Conservation. Global Program on Wildlife and Forest Conservation. सिमिलरली, और एक रिपोर्ट आपको पता चाहिए, हिंदकुश असेसमेंट रिपोर्ट. हिंदकुश असेसमेंट रिपोर्ट. हिंदकुश असेसमेंट रिपोर्ट, इट इज पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट. इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट कहाँ है? नेपाल सही है, काठमांडू नहीं है. ललितपुर. ललितपुर, ललितपुर इन नेपाल. ललितपुर इन नेपाल. और ये क्या बोलता है कि 21st century के एंड तक 90% ऑफ हिमालयन ग्लेशियर्स वुड विल वैनिश. कितने? 95%. सॉरी, 90% वैनिश हो जाएंगे. 90% वैनिश हो जाएंगे.
And since 1970, अब तक 15% ऑफ हिमालयन ग्लेशियर हैव रिड्यूस्ड. तो ये डेटा आप कहाँ यूज कर सकते हो? मेंस में यूज कर सकते हो क्या? एस एम में यूज कर सकते हो? डेफिनेटली यूज कर सकते हो. तो ये क्या बोलता है, कौन सा रिपोर्ट है? हिंदुकुश असेसमेंट रिपोर्ट बाय इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट. हेडक्वार्टर इज इन ललितपुर नेपाल. ललितपुर नेपाल. 15% ऑफ द ग्लेशियर्स वुड डाई 1970 तक. 1970 से अब तक क्या है, 15% अफेक्ट हो चुके हैं, डिग्रेड हो चुके हैं. एंड 21st सेंचुरी के एंड तक क्या हो जाएगा, इफ क्लाइमेट चेंज इसी रेट से कंटिन्यू होगा, तो 90% क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा. 90% वैनिश हो जाएगा. जो हमने असेसमेंट रिपोर्ट, सिक्स असेसमेंट रिपोर्ट देखा है ना, सिक्स असेसमेंट रिपोर्ट किसका? IPCC. बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख के लो, थोड़ा सा उसके बारे में लिख के लो. उस रिपोर्ट में हम क्या बोलने वाले हैं, क्या स्टडी करने वाले हैं, द लिंक बिटवीन कंजम्पशन एंड क्लाइमेट चेंज. द लिंक बिटवीन कंजम्पशन एंड क्लाइमेट चेंज एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज टू टैकल क्लाइमेट चेंज. उस रिपोर्ट में क्या देखा जाता है, द लिंक बिटवीन कंजम्पशन एंड क्लाइमेट चेंज एंड सेकेंड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज टू डील विद क्लाइमेट चेंज. Which SDGs promote sustainable consumption? 12. Question आ सकता है. इस साल का assessment report 6th इसके लिए important है, क्योंकि जो SDG 12 है, which focuses on sustainable consumption. SDG है ना? It focuses on what? Sustainable consumption. It focuses on sustainable consumption. I think so. बहुत सारा reports हो गया and इससे बाहर कुछ है नहीं. This is the peak. अगर इससे बाहर कोई रिपोर्ट आया तो वो किसी को नहीं आने वाला. कितने रिपीट देखे, एक बार गो थ्रू करो जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट. कौन सा देखा सब हमने? क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स, इंडिया का रैंक 9. एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, इंडिया का रैंक 177. उसके बाद हमने एक बार गो थ्रू कीजिए और एक रिपोर्ट लिख के दीजिए. हमने फर्स्ट रिपोर्ट किसने निकाला है, फर्स्ट रिपोर्ट सबसे पहले जर्मन वॉच का. और एक रिपोर्ट क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स एंड इट सेज इंडिया इज द फिफ्थ मोस्ट रिस्कीएस्ट. इंडिया का रैंकिंग कितना है, कि कितना रिस्क है इंडिया को क्लाइमेट चेंज से? फिफ्थ. और सबसे मोस्ट वल्नरेबल कौन? जापान इज द मोस्ट वल्नरेबल. क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स बाय जर्मन वॉच. Global Climate Risk Index. This is also in news. ठीक है, एक बार गो थ्रू कीजिए. कौन सा इंडेक्स फर्स्ट, कौन सा देखा हमने? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस देखा. उसके बाद ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक, UNEP के दो तीन रिपोर्ट देखे. ग्लोबल केमिकल आउटलुक इज ऑल्सो बाय Frontier Report, Energy Issues, 5 Major Issues India, the World is Facing, that is represented in Frontier Report. Emission Gap Report is by UNEP. UNEP के हमने एक साथ देख लिए सारे. फिर WMO पर हम आए थे. UNEP का हेडक्वार्टर देख लिया, Nairobi. And Stockholm Conference, बहुत important है. Stockholm Conference is the defining factor. कब हुआ था स्टॉकहोम? 1972. उस समिट में कौन, किसने अपीयर की थी उस समिट को इंडिया से? रिप्रेजेंट इंदिरा गांधी ने किया. इंदिरा गांधी इतना खुश होके, मतलब इतना इन्फ्लुएंस होके इंडिया में आई कि शी लॉन्च्ड टू मेजर प्रोग्राम्स. प्रोजेक्ट टाइगर कब हुआ था? 73, पोस्ट स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस. एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. समझ रहा ना सीक्वेंस, समझ रहे हो कि क्यों हो रहा था. एंड उस समिट में जाके इंदिरा गांधी ने बोला था कि पॉवर्टी इज द बिगेस्ट पोल्यूटर. क्या बोला था? पॉवर्टी इज द बिगेस्ट पोल्यूटर, कि पॉवर्टी के वजह से सबसे ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है. एंड सही है ना, जब पॉवर्टी होती है तो हम क्या यूज करते हैं? चारकोल, सॉरी वुड. वुड यूज करते हैं ना. और जब पॉवर्टी है तो हम क्या, ओपन डेफिकेशन होता है, वाटर पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, इंडोर पोल्यूशन हो गया. एंड इस साल के इकोनॉमिक फॉरेस्ट सर्वे में क्या पाया गया है, कि जैसे जैसे उज्ज्वला स्कीम आई ना, वैसे वैसे क्या हो गया, कि डिपेंडेंसी ऑन फॉरेस्ट वुड कम हो गया. लिंक हो रहा है सब कुछ.
और उससे इन्फ्लुएंस होके स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को इन्फ्लुएंस होके जो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 72 का, ये दोनों एक्ट हुए थे। तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और जितने भी मेजर एक्टिविटीज मेजर कन्वेंशन साइन हुए हैं अभी तक विथ रिस्पेक्ट टू जो स्टॉकहोम कन्वेंशन भी है ना पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के लिए, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक वो भी यूएनईपी के अंडर ही साइन हुआ है। क्यों? यूएनईपी ऑल्सो, अभी क्वेश्चन कोई भी केमिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आया ऑप्शन में यूएनईपी है तो हम किसको मारेंगे? यूएनईपी को मारेंगे। क्यों? क्योंकि ग्लोबल केमिकल आउटलुक कौन है का लिंक हो रहा है क्या? कभी कभी ऐसा यूपीएससी इम्पॉसिबल है कि यार सारी चीजों के बारे में पता हो, लेकिन आपको बैक ऑफ द माइंड पता चाहिए यार केमिकल पोल्यूशन रोकने के लिए केमिकल्स का प्रॉपर या केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स पर कौन रेगुलेट करता है, कौन से ऑर्गेनाइजेशंस काम करती है? यूएनडीपी नहीं करेगी। कौन सी करेगी? लेकिन वो लिंक कैसे होना चाहिए? हमने कौन सा रिपोर्ट देखा है उसका? ग्लोबल केमिकल आउटलुक। सेकंड कैसे लिंक होगा? स्टॉकहोम कन्वेंशन विच इज फॉर पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, वो भी किसके लिए? यूएनईपी के अंडर ही साइन। समझ में आ रहा है ना? आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया कि किस तरीके से हम क्या है बहुत सारी चीजें एक साथ कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे नहीं करेंगे इंटरलिंक वे में नहीं पढ़ेंगे तो वो टेम्पररी टाइम के लिए सब कुछ याद रहेगा। अब क्या होगा? थोड़ी थोड़ी चीजें एट द एंड ऑफ द 10 डे आई कैन टेल यू कि आप भी जाके बाहर क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मत कीजिए, आपको वही अटेम्प्ट देना है। इतना एवरीथिंग वुड बी क्लैरिटी कि इसके बाद सब कुछ लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। एनवायरमेंट अगर उस तरीके से पढ़ोगे तो ज्यादा दिन याद रहेगा। अगर ऐसे सिर्फ बायोस्फीयर पढ़ोगे ये पढ़ोगे विल स्टार्ट विद दिस। उसके बाद हमने यूएनईपी देखा, डब्ल्यूएमओ देखा, आइए आई थिंक सो लास्ट में रिवाइज करेंगे। लेकिन आई थॉट कि एक जगह इंडेक्सेस एक दो क्वेश्चन इसके अराउंड होते ही है, एक दो क्वेश्चन इसके अराउंड होते ही है। इससे बाहर अगर आ गया ना तो कोई टेंशन नहीं लेने का, किसी को नहीं आने वाला है। विथ रिस्पेक्ट टू कमिंग बैक टू आर मेन टॉपिक और हम हर दिन क्या करेंगे, ऐसे कुछ एक नया टॉपिक, जैसे आज हमने रिपोर्ट्स इंडेक्सेस पढ़े ना एक साथ, कल कुछ और एक चीज एक साथ पढ़ लेंगे सारा, तो क्या हो जाएगा अपने सारे बैक ऑफ द माइंड नोट्स बनते जाएंगे एंड वो लिंक करेंगे हम जो भी हमारा मेन टॉपिक चल रहा है। हमारा मेन टॉपिक कहाँ से? हम एनवायरनमेंट देख लिया, हमने बायोडायवर्सिटी देख लिया, हमने एडाप्टेशन देख लिया, हमने और क्या देख लिया था स्टार्टिंग में? बायोम्स देख लिए थे हमने, लॉस देख लिया। टू कमिंग बैक कि विद रिस्पेक्ट टू जब एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट पढ़ते हैं तो यू शुड नो कि इंडिया में फॉरेस्ट के टाइप्स पता चाहिए आपको जो एनसीईआरटी में दिए हैं, एंड बहुत बेसिक्स है इंडिया में कौन से टाइप ऑफ फॉरेस्ट मिलते हैं। तो राइट डाउन फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया फॉर्म्स उस वो चीज़ आज कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट इज इंडिया में कौन से टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं। फर्स्ट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन कहाँ मिलते हैं? नॉर्थ ईस्ट, वेस्टर्न घाट्स एंड अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। ट्रॉपिकल एवरग्रीन कौन से ट्रीज है? रोजवुड, एनी इबोनी महोगोनी रोजवुड, इबोनी, महोगोनी। नेक्स्ट इज आता है ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन कहाँ मिलता है? ओडिशा कोस्ट, वेस्ट बंगाल, ईस्टर्न कोस्ट। एंड मेजर प्लांट्स कौन सा? इधर व्हाइट सिडार एंड हेलॉक HALOCK। नेक्स्ट उसके बाद आता है मॉइस्ट डेसिडियस एंड ड्राई डेसिडियस, ओडिशा कोस्ट। उसके बाद कौन सा आता है? मॉइस्ट डेसिडियस। डेसिडियस में दो वर्ड है, मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडियस। जो जितना भी वेस्टर्न घाट के साइड में है, जैसा मॉइस्ट डेसिडियस कहाँ मिलेगा? वेस्टर्न घाट्स में कौन सा मिल रहा है अपने को? एवरग्रीन। मॉइस्ट डेसिडियस उसके अराउंड मिल जाएगा, मॉइस्ट डेसिडियस मोस्टली सेंट्रल एरिया में भी, जहाँ भी रेनफॉल विच फॉर्म्स
जो सेंट्रल इंडिया में पार्ट है, लेकिन रेनफॉल अच्छी होती है वहाँ, वहाँ मॉइस्ट रेसिडेंस एंड वहाँ टीक साल सैंडलवुड, टीक साल सैंडलवुड शीशम, टीक साल सैंडलवुड शीशम. नेक्स्ट इज ड्राई डेसिडुअस. ड्राई डेसिडुअस कहाँ? एकदम कौन सा ये बोलते हैं, लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन्स या सिर्फ इंटीरियर्स, तेलंगाना प्लेटू, मराठवाड़ा रीजन जहां रेनफॉल कम है, रेनफॉल कम है, बुंदेलखंड, दैट इज ड्राई डेसिडुअस. वहां कौन से? नीम, खेर, खेजरी, नीम, खेर, खेजरी, सॉरी तेंदू, लिख लो तेंदू, खेर, तेंदू, खेर, नीम. एंड ड्राई डेसिडुअस सबसे ज्यादा टाइप ऑफ फॉरेस्ट इंडिया में, अगर कौन सा सबसे एरिया वाइज कौन सा सबसे ज्यादा टाइप ऑफ फॉरेस्ट है तो ड्राई डेसिडुअस. ड्राई डेसिडुअस. एंड लास्ट इज, नेक्स्ट इज थॉर्नी. थॉर्नी फॉरेस्ट कहाँ मिलता है? डेजर्ट एरिया में. कैक्टस, खेर, खेर, खेजरी, खेर, खेजरी, खेर, खेजरी, खेजरी ट्रीज आर वेर ऑल्सो इन यूज. केजरी ट्रीज, केजरी ट्री, लिख के लो पहले, मैं बता दो उसको, लिंक करेंगे हम. खेर, खेजरी ट्रीज एंड कैक्टस कहाँ मिलता है? थॉर्नी फॉरेस्ट में. लास्ट इज, लास्ट इज माउंटेन फॉरेस्ट. माउंटेन फॉरेस्ट, अल्पाइन फॉरेस्ट, माउंटेन बोलते हैं वहाँ. ओक, सिडार, पाइन, ओक, सिडार, पाइन, देवदर, ये मेजर आपको जनरल जनरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट आपको पता चाहिए कि इंडिया में कौन से कौन से. तो कौन से टाइप है? फर्स्ट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन, मॉइस्ट डेसिडुअस, ड्राई डेसिडुअस, थॉर्नी एंड माउंटेन. माउंटेन पता चाहिए, मेजर फॉरेस्ट टाइप्स आपको पता चाहिए कि इंडिया में कहाँ कहाँ है. थोड़ा सा जर्नलिस्टिक आइडिया पता चाहिए. अगर राजस्थान में पूछा है तो कौन सा आ सकता है? थॉर्नी और ड्राई डेसिडुअस भी आ सकता है. मराठवाड़ा रीजन पूछा तो पता चाहिए आपको ड्राई डेसिडुअस, ड्राई डेसिडुअस, थोड़ा सा थॉर्नी भी अगर दे दिया तो सही है. अगर कोस्टल एरिया है, वेस्टर्न कोस्ट है, तो कौन सा? ट्रॉपिकल एवरग्रीन. इधर का आया तो कौन सा? सेमी एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन. अगर आइलैंड्स है तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन. नॉर्थ ईस्ट एवरग्रीन, जहां रेनफॉल ज्यादा है वहां एवरग्रीन, रेनफॉल थोड़ा सा कम सेमी एवरग्रीन. मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडुअस आपको पता चाहिए. तो खेजरी ट्रीज इसलिए बोल रहा था कि जो क्या हुआ था, राजस्थान में बिश्नोई कमिटी थे एंड चिपको मूवमेंट कब हुआ था? 1970s में हुआ था. एंड चिपको मूवमेंट का ओरिजिन, मतलब उसका इंस्पिरेशन कहां से आया था? बिश्नोई मूवमेंट. एंड दे वेर द पीपल बिश्नोई में, अमृता देवी बिश्नोई, अमृता देवी आपको पता था ये. एंड दे दैट कम्युनिटी वॉज, मतलब उन्होंने अपनी जान दे दी थी खेजरी ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए. तो खेजरी ट्रीज, तो उस वजह से भी खेजरी ट्रीज आपको पता चाहिए. एंड अमृता देवी अवार्ड देती है हर साल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ. अमृता देवी अवार्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ वहां से आया है. गवर्नमेंट एमओएफ, एमओएफ अमृता देवी एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ द. तो ये आपको जनरल इसके बारे में पता चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू जनरल. विथ रिस्पेक्ट टू इस साल विल कवर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ऑल्सो, बिकॉज नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक लिख लीजिए, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, नेक्स्ट पेज. और हर एक टॉपिक के बाद थोड़ी जगह छोड़िए, राइट बहुत स्पेशियसली, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप ऐड बाद में भी ऐड करोगे, तो थोड़ा स्पेशियसली लिख लीजिए, चिंगूसी मत कीजिए पेजेस की, और बहुत स्पेशियसली लिखिए. तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कौन करता है? फॉरेस्ट सर्वे कौन करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया. फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है? देहरादून में. देहरादून में आपको पता चाहिए. एंड इट वॉज एस्टेब्लिश इन 1981. फॉरेस्ट सर्वे कब से स्टार्ट हुआ? 1987 से. फर्स्ट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जब फॉरेस्ट का फर्स्ट टाइम सर्वे कब हुआ था? 1987. लेकिन फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में, वो कब स्टार्ट हुआ था? 81 में स्टार्ट हुआ था. ये आपको पता चाहिए. एवरी टू ईयर्स आता है, एवरी टू ईयर्स फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया होता है. एंड
एवरी टू ईयर्स होता है, तो ये आपको पता है ये कितना वा 16th है, 16th रिपोर्ट है ये, स्टेट ऑफ इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट बोलते हैं इसको, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 16th एडिशन है इसका, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। एंड कौन से सैटेलाइट से देख रहे हैं हम, रिसोर्स सैट टू सैटेलाइट से वी आर मॉनिटरिंग द फॉरेस्ट, या उसका इंफॉर्मेशन कहां से गैदर कर रहे हैं, रिसोर्स सैट टू। साइड बाय साइड जब फॉरेस्ट का आपको डेफिनेशन, दो तीन डेफिनेशन पता चाहिए कि जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब की, 1988, वो पता चाहिए। उस पॉलिसी में बोला गया था कि हमारा फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर कितना चाहिए, 33% चाहिए था, फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर, 1988। अब कहां जाके गवर्नमेंट बोलता है हम ड्राफ्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई है, ड्राफ्ट आया, फाइनल वर्जन नहीं आया अभी, प्रीलिम्स तक आ गया तो आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन तब तक अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, तो आपको क्या पता चाहिए उसके बारे में, उसके बारे में क्या पता चाहिए कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 का क्या बोलता है, 33% ट्री कवर एंड फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर का डेफिनेशन क्या है, कैनोपी डेंसिटी मोर देन 10% इन एरिया मोर देन 1 हेक्टर, एरिया मोर देन 1 हेक्टर एंड कैनोपी डेंसिटी मोर देन 10%, दैट इज फॉरेस्ट कवर। जब एरिया फॉल्स लेस देन 1 हेक्टर इट बिकम्स ट्री कवर, समझ में आया ना, अगर ट्री कवर एरिया 1 हेक्टर से ज्यादा है और कैनोपी डेंसिटी मोर देन 10% है तो उसको क्या बोलेंगे हम, फॉरेस्ट कवर। अगर एरिया 1 हेक्टर से कम है और कैनोपी डेंसिटी मोर देन 10% है उसको क्या बोलेंगे, ट्री कवर। अगर कैनोपी डेंसिटी फॉल्स बिलो 10% उसको क्या बोलेंगे, श्रब्स, उसको क्या बोलेंगे, श्रब्स बोलेंगे। And forests are classified according to forest survey report into 3 types, that is very dense, moderately dense and open forest. Open forest is where the canopy density, jaldi likh ke lo, is between 10 to 40%. Open is between 10 to 40, moderate is 40 to 70, and more than 70 is very dense. Sabse zyada kaun sa type of forest hai, moderate ka kitna hai, 9.38% 9.38% is moderate. उसके बाद है open 9.26% 9.26% and last is very dense 3.02% 3.02%. तो total forest cover कितना हो गया, 21.67 and tree cover कितना है इंडिया में, 2.89% 21.67 फॉरेस्ट कवर, 2.89 ट्री कवर। ट्री कवर कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा है, महाराष्ट्र। तो ये हो गया कौन सा टाइप ऑफ फॉरेस्ट, ये अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिवली गवर्नमेंट क्लासिफाइज फॉरेस्ट इनटू 3 टाइप्स। एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव से गवर्नमेंट कितने टाइप ऑफ फॉरेस्ट में क्लासिफाई करता है, 3 टाइप्स। कौन से, रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड अनक्लासिफाइड, रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड अनक्लासिफाइड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। रिजर्व फॉरेस्ट मतलब ऑल द एक्टिविटीज आर बैंड अंटिल अप्रूव्ड, सारे एक्टिविटीज बैंड है, सबसे ज्यादा रिजर्व फॉरेस्ट है 53%। Then protected forest, सारे activities allowed है under prohibited, until prohibited, and last is unclassified, there is no restriction, वहाँ कोई restriction नहीं है, 53 reserve, फिर protected 29% and 18% ये। तो ये आपको पता चाहिए with respect to ये। एरिया वाइज सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कौन से स्टेट में, एमपी, एरिया वाइज एमपी सबसे ज्यादा, फिर अरुणाचल, फिर छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा। कौन से तीन बोला, कौन से 3-4 रीजन मैंने बोला, ओडिशा, महाराष्ट्र। परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय,
अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, फॉरेस्ट कवर इफ यू सी कंपेयर टू लास्ट रिपोर्ट, फॉरेस्ट कवर हैज डिक्रीज इन द स्टेट्स ऑफ, लिख के लो फॉरेस्ट कवर कौन से स्टेट में कम हुआ है पिछले फॉरेस्ट रिपोर्ट से, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, यहां कम हुआ है. रीजन फॉर डिक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर इन नॉर्थ ईस्ट रीजन इज स्लैश एंड बर्न एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड माइनिंग एक्टिविटीज ऑल्सो. माइनिंग एक्टिविटीज, दूसरा कौन सा, स्लैश एंड बर्न एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कौन से स्टेट्स में बढ़ा है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला. कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरला, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम. तो समझ में आया ये दो चीजें. विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन स्टॉक, सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में कार्बन स्टॉक है, अरुणाचल प्रदेश. सबसे ज्यादा कार्बन स्टॉक कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश. कार्बन स्टॉक क्या होता है, कार्बन स्टॉक मतलब क्या, कार्बन स्टॉक मतलब प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक फॉर्म. और ये ऑर्गेनिक फॉर्म कहां कहां हो सकता है, एक तो अबव ग्राउंड हो सकता है या बिलो ग्राउंड हो सकता है या फिर सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन हो सकता है, सही है ना, तीन चीजों में हो सकता है कार्बन, कहां, अबव ग्राउंड, बिलो ग्राउंड एंड सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन. एंड इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली है, इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में बोला है कि सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है. सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है लिख के लो, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन वाटर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, डिक्रीज सॉइल इरोजन, हेल्प्स इन टेम्परेचर मॉडरेशन, हेल्प्स इन न्यूट्रिएंट रिटेंशन, न्यूट्रिएंट रिटेंशन एंड डिसीज कंट्रोल ऑल्सो, डिसीज कंट्रोल ऑल्सो, डिसीज कंट्रोल ऑल्सो. एंड वॉट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, वॉट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फर्स्ट इज टेम्परेचर, मॉइस्चर, टेम्परेचर, मॉइस्चर, सैलिनिटी, एसिडिटी एंड वेजिटेशन, एंड वेजिटेशन. एंड इस साल के इकोनॉमिक सर्वे प्लस फॉरेस्ट सर्वे दोनों में क्या बोला है कि इंडिया में क्या हुआ है, हमारा क्या हुआ है, सॉइल कार्बन बढ़ा है, कम हुआ है, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन क्या हुआ है, बढ़ा है, दैट इज अ गुड न्यूज. ओवरऑल कार्बन स्टॉक भी क्या हुआ है, बढ़ा है. कार्बन स्टॉक में क्या है कि अबव ग्राउंड क्या है, बड़ा है, बिलो ग्राउंड भी बड़ा है, डेड वुड बड़ा है, डेड वुड का जो कार्बन है वो बड़ा है, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन भी बड़ा है. तो जो कार्बन स्टॉक है ना वो अलग अलग चीजों में है, एक तो है बिलो ग्राउंड, अबव ग्राउंड, और फिर अबव ग्राउंड भी दो टाइप के हैं, एक तो डेड वुड भी है एंड लिटर भी है, समझ रहे हो ना, जो भी पत्ते मुरझा के गिर गया उसको क्या बोलते हैं, लिटर बोलते हैं ना. एंड डेड वुड मतलब अगर कोई ट्री गिर गया वो दैट इज ऑल्सो डेड, बट इट इज एन ऑर्गेनिक कार्बन, वो भी कार्बन स्टॉक में काउंट किया जाता है. तो डेड ट्री इज ऑल्सो कैलकुलेटेड इन कार्बन स्टॉक, याद रखना. तो हमारा क्या हो गया है, हमारा लिटर कम हुआ है, बाकी सारा लिटर में से ऑर्गेनिक कार्बन कम हो गया है, बाकी सब जगह क्या हो गया, बढ़ गया. अबव ग्राउंड, बिलो ग्राउंड, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, डेड वुड, सारा बढ़ गया, लेकिन कम क्या हुआ है, लिटर में से ये हुआ. लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो क्या हुआ, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है. तो ये पता चल गया आपको. और सबसे ज्यादा कार्बन स्टॉक कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश. एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से आ सकता है, मेंस पर्सपेक्टिव से भी आ सकता है, प्रिलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव दोनों तरीके से आ सकता है. विथ रिस्पेक्ट टू हमने ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट देखा था क्या, बाय FAO. अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फॉरेस्ट असेसमेंट रिपोर्ट इंडिया में कितना
इंडिया का रैंकिंग क्या है विद रिस्पेक्ट टू फॉरेस्ट? 10th रैंकिंग. इंडिया का रैंक कितना है अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फॉरेस्ट असेसमेंट रिपोर्ट? लिख के लो, इसी में लिख के लो. इंडिया में रैंक क्या है विद रिस्पेक्ट टू एरिया? 10th रैंक है. सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कौन से इसमें? रशिया, ब्राजील, रशिया सबसे. क्योंकि रशिया में कौन सा टाइप ऑफ फॉरेस्ट है? बोरियल, दैट इज टाइगा. एरिया उसका ज्यादा है ना. डाइवर्सिटी अगर आया तो किसका ज्यादा होगा? ब्राजील. ब्राजील, ब्राजील में भी अमेजॉन फॉरेस्ट. न्यूज में फॉरेस्ट फायर. अगर डाइवर्सिटी पूछा तो क्या आएगा? ब्राजील. नेक्स्ट, नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री के बारे में लिख लो. नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री, नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री. दिस इन्वेंट्री, ये रिपोर्ट कौन निकालता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ही निकालता है. फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, FSI निकालता है, नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री. एंड इस इन्वेंट्री मतलब ये रिकॉर्ड है. किसका रिकॉर्ड है? किन किन चीजों का रिकॉर्ड है ये लिख के लो. स्टॉक ऑफ द ट्रीज, स्टॉक ऑफ द ट्रीज, नंबर ऑफ ट्रीज, बैम्बू कितना है, सॉइल कार्बन कितना है, एंड इन्वेसिव स्पीशीज कितने हैं. एंड इन्वेसिव स्पीशीज कितने हैं, इन्वेसिव स्पीशीज कितने हैं, तो ये नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंटरी के अंडर पता चलता है. बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है. कौन निकालता है फिर से? FSI. क्वेश्चन आ सकता है FSI आपको, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट तो सबको पता है, लेकिन नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंटरी भी आपको पता चाहिए. नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंटरी. नेक्स्ट हम देखना चाहते हैं कि इस रिपोर्ट में मैंग्रोव्स के बारे में बोला है. मैंग्रोव्स कौन से एरिया में फाउंड होते हैं? नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक इज मैंग्रोव्स. मैंग्रोव्स ट्रांजिशन है ना, कहां मिलेंगे? इकोटोन में. इकोटोन इज अ रीजन बिटवीन टू इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम, एंड बीच में कौन सा होता है? इकोटोन. यहां कौन से टाइप ऑफ स्पीशीज मिलते हैं? एज स्पीशीज. एज इधर फॉरेस्ट डाइवर्सिटी या डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल सबसे ज्यादा होता है, ज्यादा होता है. इश्यूरियन इकोसिस्टम इज ऑल्सो इकोटोन. इश्यूरी में भी क्या, फ्रेश वाटर एंड सलाइन वाटर मिक्स होता है. तो मैंग्रोव इज अ टाइप ऑफ इकोटोन. एज स्पीशीज यहां मिलते हैं. एज और एक टाइप के स्पीशीज होते हैं. एज इको, एज का फुल फॉर्म क्या है? और एक टाइप, एक तो एज स्पीशीज जो इकोटोन में मिलते हैं, यहां एज इफेक्ट मिलता है. एज इफेक्ट मतलब क्या है? बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा. क्या है फुल फॉर्म? इकोलॉजिकली डिस्टिंक्ट एंड ग्लोबली एंडेंजर्ड स्पीशीज. एक और एक एज पता चाहिए, एज स्पीशीज. इकोलॉजिकली डिस्टिंक्ट एंड ग्लोबली एंडेंजर्ड. कौन सा टाइप है उसका एग्जाम्पल? एलिफेंट. एलिफेंट का कोई एंसेस्टर पता लग रहा है क्या आपने? कोई एंसेस्टर है क्या? जैसे कैट का क्या है? कैट, लेपर्ड, टाइगर, बहुत सारे. एलिफेंट क्या अकेला है? कोई आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है, उस टाइप का एनिमल. इकोलॉजिकली डिस्टिंक्ट है एंड ग्लोबली एंडेंजर्ड. एलिफेंट का IUCN स्टेटस? एंडेंजर्ड. मैमथ कहाँ है अभी? लेकिन वो एलिफेंट ऐसे क्लोज नहीं है ना. We are not here to do PhD. उसके स्पीशीज में अराउंड कोई नहीं है, फ्यू है, बहुत कम है. इकोलॉजिकली डिस्टिंक्ट एंड ग्लोबली एंडेंजर्ड. याद रखो, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही याद रखो. नेक्स्ट, और एक टाइप ऑफ स्पीशीज आपको पता चाहिए, कीस्टोन स्पीशीज. कीस्टोन स्पीशीज क्या होता है? अगर वो स्पीशीज चले गए तो क्या होगा? पूरा इकोसिस्टम अफेक्ट हो जाता. मैंग्रोव्स इज ऑल्सो कीस्टोन स्पीशीज. अगर मैंग्रोव अफेक्ट हो गया तो क्या है? सराउंड अराउंड सारा अफेक्ट होता है. कोरल रीफ्स इज ऑल्सो कीस्टोन. व्हाट डू यू मीन बाय अम्ब्रेला स्पीशीज? डिफरेंस बिटवीन अम्ब्रेला स्पीशीज एंड इको एंड कौन सा टाइप ऑफ स्पीशीज में बोल रहा हूँ? कीस्टोन स्पीशीज. आर दे सिमिलर? ऑलमोस्ट सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर. वाइडर कौन सा है? अम्ब्रेला स्पीशीज मतलब कीस्टोन स्पीशीज, बट उनका रेंज जो वो होता है ना, अम्ब्रेला स्पीशीज का बहुत ज्यादा रेंज होता है.
रेंज मतलब जिस डायरेक्शन में वो मूव करते हैं, जिस डायरेक्शन उनका माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है एंड उनका रेंज बहुत ज़्यादा होता है. तो कीस्टोन स्पीशीज मतलब अम्ब्रेला स्पीशीज आर कीस्टोन स्पीशीज. अगर अम्ब्रेला स्पीशीज का प्रोटेक्शन किया तो क्या होगा, सारे इकोसिस्टम का हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं. तो टाइप ऑफ अम्ब्रेला स्पीशीज क्या है, एग्जाम्पल टाइगर. अगर हमने टाइगर का प्रोटेक्शन किया तो इफेक्टिवली हम किसका प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सारे इकोसिस्टम का प्रोटेक्ट कर रहे हैं. उसके साथ उसके जो उसको एनिमल्स लगते हैं खाने को उसका भी प्रोटेक्ट करेंगे, जंगल का भी प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि वो वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट है ना उसका, वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट है. तो अम्ब्रेला स्पीशीज का एग्जाम्पल क्या हो गया, टाइगर हो गया. और कीस्टोन स्पीशीज कोरल रीफ्स हो गया, मैंग्रोव. पायोनियर स्पीशीज भी होता है, जो फर्स्ट स्पीशीज आता है बैरन लैंड पर, जो फर्स्ट स्पीशीज आता है उसको क्या बोलते हैं, पायोनियर स्पीशीज. एंड दूसरा क्लाइमेक्स. पायोनियर स्पीशीज मॉसेस फंगा है मोस्टली, वो होता है. एंड सक्सेशन थ्रू क्या होता है, क्लाइमेक्स स्पीशीज की तरफ आते हैं, मल्टीपल स्टेजेस थ्रू. समझ में आ रहा है ना, मॉसेस होंगे, फंगा होंगे, फिर ग्रासेस, श्रब्स, ट्रीज, फिर अमेजॉन एंड फिर फायर. तो ये क्या हो गया, प्राइमरी क्या हो गया, पायनियर स्पीशीज. जो लास्ट में आया अमेजॉन में वो क्या, क्लाइमेक्स स्पीशीज. और क्लाइमेक्स स्पीशीज ये क्या बोलते हैं, प्राइमरी सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं इसको. एंड वेरियस स्टेजेस इसको क्या बोलते हैं, वेरियस स्टेज सेरी सेरी. एंड जब ये खत्म हो जाता है, एंड मतलब अमेजॉन क्या हो गया, फायर हो गया, अब बैरन लैंड है. अब जब नेक्स्ट टाइम इधर स्पीशीज आया उसको क्या, कौन सा सेकेंडरी सक्सेशन, क्यों, क्योंकि पहले से ही उधर कुछ तो था. एंड कौन सा फास्टर होता है, प्राइमरी सक्सेशन या सक्सेशन या सेकेंडरी, सेकेंडरी. क्यों, क्योंकि इधर पहले से ही न्यूट्रिएंट्स है कुछ, इधर कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं थे, इधर बैरन रॉक से स्टार्ट किया है, फंगा है, बैक्टीरिया उन्होंने स्टार्ट किया है. इधर तो क्या है, अभी फॉरेस्ट फायर का वन ऑफ द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ फॉरेस्ट फायर इज क्या होता है, सॉइल का न्यूट्रिशन लेवल बढ़ जाता है. सेकेंड, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज खत्म हो जाता है. समझ रहे हो ना, फॉरेस्ट फायर का पॉजिटिव भी इम्पैक्ट है, एलियन स्पीशीज क्या हो जाता है, खत्म हो जाता, खत्म हो जाता. तो समझ रहा है ना, सेरी पता चल गया, प्राइमरी कौन सा, पायनियर स्पीशीज, कॉम्प्लेक्स स्पीशीज, क्लाइमेक्स स्पीशीज, अम्ब्रेला स्पीशीज हो गया. नेक्स्ट इज इंडिकेटर स्पीशीज भी पता चाहिए आपको. What do you mean by indicator species? Which shows health of ecosystem. कौन सा example? Coral reefs. Again shows the health. Mosses, dolphin. Worms. बहुत सारे worms is also. Earthworm भी बताता है कि health of. Lichens, leeches. तो that is which type of species? Indicator species. सेरी इज वेरियस वेरियस क्या बोलते हैं ये स्टेजेस ऑफ सक्सेशन आर नोन एज सेरी. वेरियस स्टेजेस ऑफ सक्सेशन इज नोन एज सेरी. जैसे श्रब्स, हर्ब्स, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, ये सक्सेशन हो गया. नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है. अभी अमेजॉन फॉरेस्ट क्लाइमेक्स फॉरेस्ट जो लास्ट स्पीशीज डेवलप हुई. सेकेंडरी सक्सेशन कब होगा, वेन देर इज वो प्राइमरी सक्सेशन कुछ रीजन की वजह से खलास हो गया, हमने डिफॉरेस्टेशन कर दिया, उसके बाद जो होगा नेक्स्ट होगा. ऐसा नहीं कि कंपलसरी प्राइमरी के बाद सेकेंडरी आना ही है, अगर प्राइमरी डिस्ट्रॉय हुआ तो फिर सेकेंडरी आएगा. समझ में आ रहा है, गेटिंग इट. हमने कौन सा टाइप ऑफ स्पीशीज देख लिया, हमने कीस्टोन, अम्ब्रेला, इंडिकेटर, पाइनियर, एज. एज के दो देख लिए, एज स्पीशीज जो एज इकोटोन में, एज इकोटोन में रहते हैं, दूसरे इकोलॉजिकली डिस्टिंक्ट एंड ग्लोबली एंडेंजर्ड स्पीशीज. एंडेंजर्ड स्पीशीज तो ये आपको पता चलता है. मैंग्रोव इज व्हाट, एज स्पीशीज, एज स्पीशीज ना इकोटोन में मिलते हैं, सही है ना, लिख के लो मैंग्रोव्स के बारे में, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया में मिलते हैं. नेक्स्ट पेज, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में मिलते हैं, 24 डिग्री नॉर्थ एंड 38 डिग्री साउथ के बीच में मिलते हैं, 24 डिग्री नॉर्थ एंड 38 डिग्री साउथ. इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इसको, न्यूमेटोफोर्स होता है. न्यूमेटोफोर्स इज व्हाट, कहां से आते हैं वो नोट्स, रूट्स नीचे से ऊपर आते हैं. नेक्स्ट कौन से टाइप ऑफ रूट है, स्टिल्ट रूट. स्टिल्ट रूट कहां से, ब्रांचेस से आते हैं नीचे, टू गिव द स्टेबिलिटी, पानी में होता है ना मैंग्रोव्स, तो गिव स्टेबिलिटी कौन से रूट्स है, स्टिल्ट रूट्स.
नेक्स्ट इज एडवेंटेशियस बट्रेस रूट. बट्रेस रूट जो एडिशनल सपोर्ट करते हैं जो नीचे ही रहते हैं, बट्रेस रूट. नेक्स्ट इसमें क्या होता है, वीवी पैरिटी होता है. नीचे ग्राउंड इतना अनवायबल है फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स क्योंकि सेलाइन रीजन है, तो जर्मिनेशन कहाँ होता है, ब्रांचेस पर ही होता है, ब्रांचेस पर ही होता है. तो ये पता चाहिए वीवी पैरिटी. सक्यूलेंट लीव्स होता है, सक्यूलेंट लीव्स, स्टिल्ट रूट, बट्रेस आपको पता चाहिए. थिक लीव्स पानी बहुत ज्यादा स्टोर करके रखते हैं. एंड वाई मैंग्रोव्स आर इंपॉर्टेंट, दे आर नोन एज किडनीज ऑफ द इकोसिस्टम. किडनीज बोलते हैं उसे, वाई, फिल्टर ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड फिल्टरिंग ऑफ द वाटर हेल्प अगेंस्ट सी वेव्स, स्ट्रॉन्ग सी वेव्स सुनामी के अगेंस्ट भी हेल्प करते हैं. लाइवलीवुड भी प्रोवाइड करते हैं, फायरवुड भी प्रोवाइड करते हैं, हैबिटेट भी प्रोवाइड करते हैं. एंड क्या होता है मैंग्रोव्स की वजह से, क्या होता है स्पीड ऑफ द वाटर क्या होता है, रिड्यूस होता है. रिड्यूस हो गया तो मतलब क्या, सिल्टेशन बढ़े. जो लैंड एक्रिएशन में भी काम होता है, मोर लैंड, पहले इंडिया वर्ल्ड में लैंड कम हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो लैंड एक्रिएशन में भी काम आ जाता है. मतलब लैंड एरिया बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, वन ऑफ द रीजंस इज मैंग्रोव्स. क्यों, स्पीड कम कर, समझ रहा है, ट्राइंग टू गेट, एवरीवन इज ट्राइंग टू गेट, कोई इशू. तो इसमें भी वेरी डेंस, मॉडरेटली डेंस एंड ओपन मैंग्रोव्स होता है. लिख के लो जल्दी, वेरी डेंस इज 29.66, वेरी डेंस. मॉडरेटली डेंस इज 29.73% एंड ओपन मैंग्रोव्स इज 40.61%. 29.66 वेरी डेंस, 29.73 इज मॉडरेटली डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट इज 40.61. सबसे ज्यादा ओपन है, सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स कौन से स्टेट में है, वेस्ट बंगाल, फॉलोड बाय गुजरात. लिख के लो, फॉर वेस्ट बंगाल, गुजरात, फॉलोड बाय अंडमान निकोबार एंड आंध्र प्रदेश. सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रोथ कहाँ हुआ है फॉरेस्ट का, लास्ट फॉरेस्ट सर्वे, और इस गुजरात, महाराष्ट्र एंड ओडिशा. गुजरात, महाराष्ट्र एंड ओडिशा. एंड मैंग्रोव्स के हिसाब से आपको और एक प्रोग्राम पता चाहिए, मैंग्रोव्स फॉर फ्यूचर. इट्स अ प्रोग्राम, कितने कंट्रीज इन्वॉल्व है, साउथ एशियन कंट्रीज है, 10 कंट्रीज है, साउथ एशियन 10 कंट्रीज है. इट्स अ इनिशिएटिव ऑफ टू ऑर्गेनाइजेशन, IUCN एंड डीपी, यूएनडीपी, UNDP. And the aim of this program is, लिख के लो, और ये कब फॉर्म हुआ, पोस्ट सुनामी. 2005 में सुनामी आया ना, तब हमारा आंखें खुली और हमें पता चला कि यार मैंग्रोव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और तब हमने प्रोग्राम लॉन्च कौन सा किया, मैंग्रोव्स फॉर फ्यूचर. एंड द एम इज टू प्रमोट, लिख के लो, द एम ऑफ मैंग्रोव्स फॉर फ्यूचर इज टू प्रमोट एन इंटीग्रेटेड ओशन वाइड अप्रोच. द एम इज टू प्रमोट इंटीग्रेटेड ओशन वाइड अप्रोच to coastal management, integrated open wide approach for coastal management and to build resilience, and to build resilience of ecosystem dependent coastal communities, to build resilience of ecosystem dependent ocean communities, coastal communities. ठीक है, समझ में आया, मैंग्रोव्स फॉर फ्यूचर. नेक्स्ट, फॉरेस्ट फायर के बारे में इस रिपोर्ट में बोला है. इस रिपोर्ट में शैनन वीनर इंडेक्स जो हमने स्टार्टिंग में देखा ना, इसमें यही बोला था, जो इकोनॉमिक सर्वे में बोला है, फॉरेस्ट सर्वे में बोला है. शैनन वीनर इंडेक्स मैंने बोला ना, इट कंपेयर्स बायोडाइवर्सिटी अक्रॉस फॉरेस्ट एरिया, एंड सबसे ज्यादा फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी कहाँ है, कर्नाटका. कर्नाटका सबसे ज्यादा है. नेक्स्ट, फॉरेस्ट फायर के पर्सपेक्टिव से आपको पता चाहिए कि इस साल फॉरेस्ट फायर एक रिपोर्ट, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आया. लिख के लो, स्ट्रेंथनिंग फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट इन इंडिया. एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आया, स्ट्रेंथनिंग फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट इन इंडिया. बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, किसने रिलीज किया है, वर्ल्ड बैंक एंड MOEF.
वर्ल्ड बैंक एंड MOEF. एंड इस रिपोर्ट ने बोला है कि इंडिया शुड ब्रिंग आउट अ नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर. नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर लेके आओ, इस रिपोर्ट ने बोला है. एंड फॉरेस्ट फायर ओवर द इयर्स हैव बीन इंक्रीजिंग. 2016 से 18 तक देखा ना, आपको जर्नलिस्ट एक आइडिया चाहिए, 2016 से 18 तक फॉरेस्ट फायर बढ़ा है, 2019 में थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन ओवरऑल फॉरेस्ट फायर्स इन इंडिया हैव बीन इंक्रीजिंग, एक्सेप्ट 2019 में थोड़ा कम हुआ है. अभी फॉरेस्ट फायर डिटेक्ट करना है तो कौन सा सैटेलाइट का यूज करते हैं हम, कौन सा सैटेलाइट का यूज करते हैं पहले, कौन सा हम, हमारे पास फॉरेस्ट फायर डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास कौन सा सिस्टम था, फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम 2.0. उसमें हम कौन सा टेरा एंड एक्वा सैटेलाइट यूज कर सकते थे, टेरा एंड एक्वा सैटेलाइट ऑफ नासा, टेरा एंड एक्वा सैटेलाइट ऑफ नासा. अब कौन सा है, फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम 3.0 नया आया है. यहाँ SNPP सैटेलाइट हम यूज कर रहे हैं, SNPP सैटेलाइट आपको पता है, SNPP सैटेलाइट, ये भी USA का ही है, SNPP सैटेलाइट. अभी SNPP से सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन कहाँ जाता है, इसरो को, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, कहाँ है, अहमदाबाद में है ना, नहीं यार हैदराबाद नहीं है, अहमदाबाद ही है ना, कंफ्यूज मत कर. एंड उसके बाद मोदी जी गुस्सा हो जाएंगे. एंड उसके बाद कहां जाता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के पास, उसके बाद फॉरेस्ट सर्वे, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर से कहां जाता है, FSI के पास. साइड बाय साइड आपको रिकॉर्डेड फॉरेस्ट भी पता चाहिए. व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉर्डेड फॉरेस्ट, जितना भी फॉरेस्ट इज डिमार्केटेड इन द गवर्नमेंट्स मैप्स और गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में कितना फॉरेस्ट है, दैट इज रिकॉर्डेड फॉरेस्ट, उसको रिकॉर्डेड फॉरेस्ट बोलते हैं, आपको पता चाहिए. आपको साइड बाय साइड ग्रीन वॉश के बारे में पता चाहिए, ग्रीन वॉश, व्हाट इज माइन ग्रीन वॉश, सर्वे ऑफ इंडिया है, इट इज द ओल्डेस्ट साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, ओल्डेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन सर्वे ऑफ इंडिया, 1767. एंड इन्होंने मैप्स निकाले इंडिया के, टोपोग्राफिक मैप्स, उस मैप्स में जहां जहां दिखाया कि हाँ यहाँ यहाँ फॉरेस्ट है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रीन वॉश, ग्रीन वॉश, ग्रीन वॉश. हैदराबाद में, आई थिंक सो हैदराबाद है वो, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद. अहमदाबाद में क्या है यार, इसरो का ही वन मोर सेंटर आई थिंक सो, फिजिकल लेबोरेटरी ऐसे कुछ है आई थिंक सो. हैदराबाद इज नेशनल रिमोट, कौन सा सेंटर बोला मैंने, रिमोट सेंसिंग सेंटर, रिमोट सेंसिंग सेंटर, आपको ये पता चाहिए. नेक्स्ट आपको क्या बोल रहे हैं, कहाँ थे हम, ग्रीन वॉश, ग्रीन वॉश. तो आई थिंक सो विथ रिस्पेक्ट टू फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इतना इन्फॉर्मेशन मोर देन इनफ है इसके बागे. एंड विथ रिस्पेक्ट टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इट्स ट्राइंग टू अचीव टू SDGs, SDG नंबर 14 एंड 15. 14 इज लाइफ बिलो वाटर, 14 इज लाइफ बिलो वाटर एंड लाइफ अबव वाटर. लाइफ बिलो वाटर क्यों कर रहा है फॉरेस्ट, क्योंकि मैंग्रूव्स आर अंडर, लाइफ बिलो वाटर के अंडर आता है वो, लाइफ बिलो वाटर. तो 14 एंड 15 SDGs आर बोथ रिलेटेड टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन. ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे डन है. विथ रिस्पेक्ट टू फॉरेस्ट आपको पता चाहिए कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे स्टेप्स लिए. विच आर द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर द प्रोटेक्शन एंड फॉर प्रमोटिंग अफॉरेस्टेशन इन इंडिया. फर्स्ट कौन सा है, नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम इंप्लीमेंटेड बाय नेशनल फॉरेस्ट इको डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल फॉरेस्ट इको डेवलपमेंट बोर्ड.
एंड द एम इसके नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, हम जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज बना रहे हैं प्लस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कमिटीज बना रहे हैं. समझ रहे हो ना, वॉट वी आर डूइंग इज थ्रू कोलैबोरेटिव वर्क ऑफ लोकल्स एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वॉट वी आर ट्राइंग टू प्रमोट इज अफॉरेस्टेशन थ्रू दिस प्रोग्राम, नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम इंप्लीमेंटेड बाय हुम, इको डेवलपमेंट बोर्ड. नेशनल इको डेवलपमेंट बोर्ड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ ग्रीन इंडिया मिशन. ग्रीन इंडिया मिशन है ना, द एम ऑफ ग्रीन इंडिया मिशन इज टू डेवलप न्यू 5 मिलियन हेक्टर्स ऑफ न्यू फॉरेस्ट एंड रिस्टोर 5 मिलियन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट. रिस्टोर 5 मिलियन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट, इसके बारे में बताना पड़ेगा. फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ऑल्सो टेल्स अबाउट बैम्बू, बैम्बू के बारे में बताता है. वो बोलता है सबसे ज्यादा बैम्बू एमपी महाराष्ट्र एंड अरुणाचल प्रदेश में है. एमपी महाराष्ट्र एंड अरुणाचल प्रदेश, उसको ग्रीन गोल्ड भी बोलते हैं. ग्रीन गोल्ड भी बोलते हैं, ग्रीन गोल्ड, ग्रीन गोल्ड. एंड इट इज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, हैंडीक्राफ्ट, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, इरीगेशन, पेपर एंड सबसे इंपॉर्टेंट फॉर रिस्टोरिंग डिग्रेडेड लैंड, फॉर रिस्टोरिंग डिग्रेडेड लैंड, फॉर रिस्टोरिंग डिग्रेडेड लैंड, फॉर रिस्टोरिंग डिग्रेडेड लैंड. एंड इसके लिए फॉर द प्रमोशन एंड कंजर्वेशन ऑफ बैम्बू इंपॉर्टेंट मिशन आपको पता चाहिए, नेशनल बैम्बू मिशन. नेशनल बैम्बू मिशन इज अंडर विच मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर. लिखे लो नेशनल बैम्बू मिशन इज क्या क्या उसके अंडर है. नेशनल बैम्बू मिशन के अंडर क्या क्या एक्टिविटीज होते हैं. फर्स्ट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू नर्सरीज, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू नर्सरीज. नेक्स्ट इज रेजिंग हाई यील्ड बैम्बू प्लांटेशन ऑन कमर्शियल बेसिस. Establishment of new nurseries. Secondly, raising high-yielding bamboos for commercial basis. Rejuvenation of senile bamboo plantation. Rejuvenation of senile bamboo plantation. And pest and disease management in forest, in bamboos. Pest and disease management in bamboos. Bamboo was also in news 2 years back. It was removed from the category of trees and grass in only in forest area post amendment into Indian Forest Act 1927. Indian Forest Act 1927 mein amendment karke sirf forest area mein classification change kar raha hai from tree to grass. Tree to grass, tree to grass na, agar tree hota usko kaatne ke liye permission lagti, ab grass hai to काटो. एंड ओरिजिनली इट इज अ ग्रास, ओरिजिनली इट इज अ ग्रास, ओरिजिनली इट इज अ ग्रास. तो ये आपको बैम्बू के बारे में. एंड बैम्बू के कंजर्वेशन के लिए एक टेक्निक पता चाहिए विच इज इन न्यू, ज़िबॉक टेक्निक. ज़िबॉक, रिबॉक जैसा है ना वैसे ज़िबॉक, ZIBOOK, ज़िबॉक टेक्निक फॉर द बैम्बू कंजर्वेशन. ज़िबॉक टेक्निक फॉर बैम्बू कल्टिवेशन, फॉर बैम्बू कंजर्वेशन. सॉरी थोड़ा यार, आई थिंक सो शुड वी स्टॉप हियर. आई थिंक बहुत ज्यादा हो गया क्या, 5 दिन में भी हो जाएगा अपना सिलेबस मुझे लग रहा है स्पीड से. होप एवरी वन इज गेटिंग इट. फास्ट है क्या थोड़ा, लेकिन कितने लोगों को फास्ट लग रहा है. अगर फास्ट नहीं जाएंगे ना तो अपने वो अगले साल नहीं देना प्लीज. 10 दिन में अगर हम एनवायरनमेंट कवर पर रहे हैं और इतनी सारी चीजें कवर पर रहे हैं, सो लेट्स रिवाइज. सबसे इंपॉर्टेंट है लेट्स रिवाइज. क्या क्या किया आज हमने, प्लांटेशन. सेनाइल मतलब जो डिग्रेडेड, डिग्रेडेड ओल्ड. सेनाइल मतलब ओल्ड. क्या क्या स्टार्ट किया हमने आज, क्या क्या देखा. फर्स्ट थिंग डेफिनेशंस, डेफिनेशंस किसका हैंड राइटिंग अच्छा है. सबसे इंपॉर्टेंट है कि फीस यार.
कल उसके सिवा एंट्री नहीं है. फर्स्ट इंपॉर्टेंट हमने डेफिनेशन एनवायरमेंट एवरीथिंग बायोटिक एंड अनबायोटिक देखा. हमने इकोसिस्टम का डेफिनेशन देखा. इकोसिस्टम इज व्हाट इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अनबायोटिक. इंटरेक्शन विद इकोलॉजी इज स्टडी ऑफ इकोसिस्टम. हमने फिर पॉपुलेशन का डेफिनेशन देखा. कम्युनिटी एंड पॉपुलेशन में डिफरेंस देखा. कम्युनिटी मतलब मल्टीपल स्पीशीज, पॉपुलेशन मतलब एक स्पीशीज, सेंसस मतलब एक स्पीशीज एक टाइम इन स्पेसिफिक एरिया. सेंसस मतलब क्या? कैलकुलेटिंग अ स्पेसिफिक स्पीशीज एट स्पेसिफिक टाइम एंड स्पेसिफिक रीजन. हमने वेरियस सेंसस देखे जो इंडिया कंडक्ट कर रहा. हमने डॉल्फिन सेंसस कर रहा है क्या इंडिया? गैंजेटिक डॉल्फिन. गैंजेटिक डॉल्फिन का IUCN स्टेटस कल आउट. कल आपका होमवर्क है, फाइंड आउट करके आना. एंडेंजर्ड है या क्रिटिकली एंडेंजर्ड है पता. कल आपका होमवर्क है. हमने फिर एलिफेंट का स्टेटस देखा, टाइगर का स्टेटस देखा, राइनो का स्टेटस देखा, स्नो लेपर्ड का देखा. स्नो लेपर्ड का भी हम करने वाले हैं. एंड स्नो लेपर्ड के प्रोटेक्शन के लिए एक इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन है, बिश्केक डिक्लेरेशन. बिश्केक डिक्लेरेशन, सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन देखा क्या हमने टाइगर कंजर्वेशन के लिए. उसके बाद कौन सा प्रोग्राम आया? TX2 बाय WWF स्नो लेपर्ड्स के लिए कौन सा डिक्लेरेशन है? बिश्केक. बिश्केक याद रखना, बिश्केक. नीश देखा हमने. नो टू स्पीशीज कैन हैव सेम नीश इन द सेम एरिया. डिफरेंट रीजन में हो सकते हैं सेम नीश, उसको क्या बोलेंगे? इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट. हमने फिर होमियोस्टेसिस में देखा, होम रेंज भी देखा हमने, होमियोस्टेसिस, माइग्रेशन देखा. आपको और एक माइग्रेशन जो न्यूज में है, न्यूज में होता है लिसिप्सियन माइग्रेशन. लिसिप्सियन माइग्रेशन, लिसिप्सियन माइग्रेशन. स्पेलिंग मेरा वीक है, घर पे जाके देख ले, रिकॉर्ड करके लो. लिसिप्सियन माइग्रेशन, लिसिप्सियन माइग्रेशन इज व्हाट? माइग्रेशन ऑफ स्पीशीज फ्रॉम रेड सी टू मेडिटेरेनियन सी थ्रू सुएज कैनाल. रेड सी टू मेडिटेरेनियन सी है ना, एंड बीच में क्या है? सुएज है. तो वो माइग्रेशन हो रहा है ना, उसको लिसिप्सियन माइग्रेशन बोलते हैं. लिसिप्सियन माइग्रेशन. नेक्स्ट हमने एस्टिवेशन, हाइबरनेशन देखा, सस्पेंशन देखा, बायोम्स देखे हमने. हमने बेसिक बायोम्स देखे हमने अभी तक. डेजर्ट बायोम देखा. डेजर्ट बायोम में एलन रूल देखा, बर्गमैन रूल एंड लिंडमैन हमने देखा. हमने डिफरेंट टाइप ऑफ पिरामिड्स देखे. डेट्रीवोस क्या होते हैं हम और डिटेल में देखेंगे ये सारी चीजें. जस्ट पासिंग ऑन, जस्ट टू स्टार्ट विथ केयर, बहुत मतलब बेसिक था स्टार्ट करने के लिए. देन हमने मैंने वो ग्रेजिंग फूड चेन में एनर्जी ज्यादा है या डेट्रिटस फूड चेन में एनर्जी फ्लो ज्यादा है वो कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि टेरेस्ट्रियल बायोसिस्टम में सबसे ज्यादा एनर्जी फ्लो कहाँ होता है? डेट्रिटस फूड चेन. हमने पिरामिड्स देखे, वेरियस पिरामिड्स देखे. हमने कोल्ड क्लाइमेट देखा, टूंड्रा देखा, टाइगा देखा, सवानास देखा, कोरल रीफ देखा. हमने आई वॉन्ट टू टेल यू, हमने उधर आधे में से रुक दिया. पॉजिटिव इंटरेक्शन में सिर्फ हमने तीन चीजें देखे एंड देन वी माइग्रेटेड टू डिफरेंट थिंग. तो नेगेटिव इंटरेक्शन लिख के लीजिए. नेगेटिव में एमेंसलिज्म. नेगेटिव में कौन सा है? एमेंसलिज्म. एमेंसलिज्म में क्या हो रहा है? एक को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, दूसरे पर नेगेटिव इफेक्ट है. एक पर जीरो, दूसरे पर नेगेटिविज्म. इस पर ही यूपीएससी में क्वेश्चन आके गया, एलिलोपैथी. व्हाट डू मीन बाय एलिलोपैथी? टॉक्सिक टॉक्सिन्स रिलीज बाय बिग ट्रीज विच डू नॉट अलाउ ग्रोथ ऑफ एनी ट्री अराउंड इट. दैट इज व्हाट एलिलोपैथी इज अ टाइप ऑफ एमेंसलिज्म. समझ में आ रहा है? एंड नेक्स्ट उसके बाद प्रीडेशन. प्रीडेशन इज मतलब एक का खाना एक का पॉजिटिव. नेक्स्ट कॉम्पिटिशन, जो आप सब लोगों में कोऑपरेटिव कॉम्पिटिज्म. एंड लास्ट इज पैरासाइटिज्म. पैरासाइटिज्म इसमें नया क्या सीखा हमने? प्रोटो कोऑपरेशन. वेल दे बोथ आर इंडिपेंडेंट, लेकिन साथ में आए तो फायदा. आई थिंक सो यू शुड गो बाय द प्रोटो कोऑपरेशन. सिम्बायोसिस नहीं चाहिए अपने को.
सिम्बायोसिस नहीं चाहिए अपने को, क्या चाहिए? प्रोटो कोऑपरेशन। इंडिपेंडेंट भी ठीक है लेकिन साथ में आए तो क्या ज्यादा फायदा। नेक्स्ट हमने उसके बाद क्या देखा, कोरल रीफ हमने सारा चीज कवर कर लिया, इनकॉइस देख लिया, हमने एक रिपोर्ट देखा इंपॉर्टेंट, ग्लोबल ग्लोबल रिपोर्ट ऑन स्टेटस ऑफ कोरल रीफ्स एंड प्रूवी देख लिया था हमने, आई थिंक सो कोरल रीफ्स एंड स्टैपकोर, स्टैपकोर IUCN है, IUCN, MOEF, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड लक्षद्वीप गवर्नमेंट, वो जो है उधर वो भी इन्वॉल्व थी, लक्षद्वीप में हुआ था ये। उसके बाद हमने क्या देख लिया, डाइवर्सिटी देख लिया, हमने देखा कि यार डाइवर्सिटी हाउ डू यू जज बाय कौन सा इंडेक्स, शैनॉन मिलर इंडेक्स, एंड डाइवर्सिटी इज ऑल्सो डिफाइंड एज अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा इज विद इन इकोसिस्टम, बीटा इज बिटवीन एंड ओवरऑल इज गामा डाइवर्सिटी, ओवरऑल डाइवर्सिटी इज गामा डाइवर्सिटी, एंड जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी उतना स्ट्रेंथ है इकोसिस्टम में। इमेजिन करो कैंपा पता है ना, कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसमें कैंपा, वन ऑफ द इश्यूज विद कैंपा इज व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर प्रमोटिंग मोनोकल्चर, एक ही टाइप के ट्रीज ग्रो कर रहे हैं, कैंपा फंड में आ रहा है, पब्लिक अकाउंट में जा रहा है, कैंपा अथॉरिटी क्या करता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है फॉर द अफॉरेस्टेशन, उसमें क्या कर रहा है वो मोनोकल्चर प्रमोट कर रहा है, अरे मोनोकल्चर है लेकिन कल जाके कोरोना वायरस जैसा कुछ वायरस आ गया, सारे ट्रीज एक साथ हो गए, अगर कल कोरोना वायरस बिकम्स अ पैंडेमिक एवरीवन वुड डाई एक्सेप्ट एनिमल्स, कुछ तो कोई तो बचा रहेगा, अगर इमेजिन ये प्लैनेट में सिर्फ ये ह्यूमन बींग्स है तो क्या डाइवर्सिटी स्ट्रेंथ, तो जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी उतना स्ट्रेंथ है, किसका, इकोसिस्टम का स्ट्रेंथ है, तो ज्यादा डाइवर्सिटी हमेशा भी अच्छा होता है, ज्यादा डाइवर्सिटी अच्छा होता है क्योंकि रिस्क कम हो जाता है, रिस्क कम हो जाता है, तो उस पर्सपेक्टिव से भी आपको पता चाहिए। नेक्स्ट हमने और क्या देखा, पिरामिड्स देख लेते हैं, वो बहुत कॉमन है, बहुत हर एक आपको हर एक इसमें पता ही चलेगा, उसमें लिंडमैन आपको पता है इन्वर्टेड एनर्जी का एक ही साइड होता है, प्राइमरी प्रोडक्शन जो सन से प्रोड्यूसर्स होते हैं ना वो, दैट इज प्राइमरी प्रोडक्शन, प्राइमरी प्रोडक्टिव मतलब व्हाट इज, मतलब उन्होंने जितना 90% रेस्पिरेशन जाके जितना भी बाकी है वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, समझ रहा है ना, तो ये आपको कॉन्सेप्ट पता चाहिए, लिंडमैन रूल्स पता चाहिए उसमें। उसके बाद हमने रिपोर्ट देख लिए सारे, कल मैं पूछने वाले हो हर एक बंदे से एक एक, तो आज का होमवर्क है जाके प्लीज रीड इट, कल हम कुछ और एक ऐसी चीज करेंगे कि वो एक कॉम्प्रेहेंसिव है, जैसे रिपोर्ट्स आज की है ना, तो कल एक और एक चीज भी, आई वांट यू टू कम विद अ ब्लैंक स्लेट, कुछ पढ़ के मत आओ, अगर पढ़ के आओगे तो फिर मतलब इतना इजीली, मतलब अटेंशन स्पैन बहुत कम हो जाता है, अटेंशन स्पैन बहुत कम हो जाता है, अगर नहीं पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ नया चीज मिलेगा। नेक्स्ट हमने बहुत सारे रिपोर्ट्स ये देखे, UNEP देखा, बहुत सारी चीजें देखी इंटरलिंक वे में, फर्स्ट लेक्चर है तो आई थॉट कि ये करने, फिर हमने फॉरेस्ट सर्वे देखा, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट देखा, बैम्बू देखा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अपना बाकी है, मतलब याद दिलाना कल कहां से स्टार्ट करना है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन से स्टार्ट करना, कल संडे है एंड देयर इज अ क्लास, तो ये नहीं है कि संडे है तो, एंड जितना जल्दी हो सके वी विल ट्राई टू कंप्लीट द, जितना भी पॉसिबल है सारे करंट अफेयर्स भी साइड बाई साइड कवर करना स्टार्ट करेंगे, नहीं 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 है, एक ही टाइम है 5 to 8, चलेगा, वील मीट टुमारो, प्लीज टेक एडमिशन, अगर जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया तो कल